Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पापी। श्री भागवत भगवान भक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगा दे वाला। Sridhar Maharaj.
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को भी यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कथकल्या हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महात्म्य को। कल हम लोग ने श्रवण किया है ये भागवत कथा की इतने महिमा है। अगर कोई प्रेत जन्म में भी पड़ा हुआ हो उसको किसी तरह से उधार नहीं मिलता है। गया में पिंड देने पर भी तब भी मुक्ति नहीं मिल रही है। क्या तो उसको मुक्ति मिलेगी कैसे? बोलिए भागवत कथा सा मतलब बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो एक बार आकर के कथा में बैठ जाए और कुछ करने का जरूरत नहीं। ये भागवत उसको भगवत भक्ति और भगवत चरण को ये प्राप्त करा देती है। इसलिए कल हम इस विषय के ऊपर में श्रवण कर रहे थे कि भागवत कथा की महिमा कति दो पुराण में आती है, एक तो पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण। आज हम लोग थोड़ी सी स्कंद पुराण का विषय में चर्चा करेंगे कि जिस समय भगवान कृष्ण ये दुनिया छोड़ करके चले गए मैया कुंती को जब पता चला कृष्ण ही जगत में नहीं रहे बोले ये जगत में रह करके क्या लाभ है। मतलब कृष्ण विहीन जो प्राण है वो बेकार है, वो जिंदा रहना मरना बराबर है। मतलब अगर जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं हो रही है कहते जिंदा रह करके जीवन का कोई लाभ नहीं। कुंती भी शरीर को त्याग दी, पांडव लोगों देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर दुनिया में रह कर क्या लाभ, ये पांडव लोग भी संसार को त्याग दिए। लेकिन ये जाने से पहले उन्होंने वृंदावन का राजा श्री बज्रनाथ को बनाया और हस्तिनापुर का राजा श्री युधिष्ठिर महाराज को बनाया। एक दिन श्री श्री परीक्षित महाराज को बनाया। एक दिन श्री परीक्षित बज्रनाभ से मिलने के लिए गए। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना? बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है लेकिन मेरे जो मन है ना बड़ा उदास है। बोले क्यों? बोले राजा को तभी शोभा देता जो प्रजा है ना, लेकिन ये वृंदावन में कोई है नहीं। क्योंकि जैसे भगवान राम जब ये दुनिया छोड़ कर गए संपूर्ण अयोध्या वासियों को प्रभु लेकर गए लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर गए। किसको छोड़कर गए? हनुमान जी को। क्योंकि राम की भक्ति को जगत में प्रचार करने के लिए। उसी तरह जब कृष्ण ये दुनिया से जाते हैं केवल दो चार भक्तों को छोड़ करके और सबको लेकर प्रभु चले गए। उद्धव जी को, मैत्रेय को, विदुर जी को केवल इनको छोड़ करके और सबको प्रभु लेकर के अपना साथ में चले गए। बोले ये वृंदावन में तो मेरे को सुनी सुनी लग रहा है, कोई है ही नहीं, मन ही नहीं लग रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज को पता है, कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं तो ये वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर में नहीं जाता हूं। उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाया। सांडिल्य कौन है? बोले श्री नंद बाबा के ही कुलगुरु रहते थे, बड़े विद्वान है, भगवान की परम भक्त है। उनको पता है ये ब्रज भूमि का क्या रहस्य है। उन्होंने श्री बज्रनाभ को बुला, श्री सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप थोड़ी सी कृपा करके ये वृंदावन की थोड़ी महिमा बताओ। तब सांडिल्य कहा देखो भगवान की दो तरह की लीला है। कितना तरह की लीला है? कहते ठाकुर जी की दो तरह की लीला है, एक तो उनकी वास्तविक लीला सही लीला और उनकी एक है साधारण सी लीला है। लेकिन जो उनकी वास्तविक जो लीला है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है। लेकिन हमें क्यों नहीं दिखती? कारण दिया। बोले कारण है हमारे आंखों के ऊपर भी एक माया के पर्दा डला हुआ है। भगवान की जो लीला है वो चिन्मय अप्राकृत है, वो दिव्य लीला है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनिना
संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्तम्। ब्रह्मा जी कहते हैं इन्हीं आंखों में अगर हम प्रेम रूपी अंजन लगाए, लेकिन हमारे आंखों में कौन सा अंजन लगा हुआ? बोले काम क्रोध लोभ मोह बद मात्सर्य। कहते इन्हीं आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं होता है। जब आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाएंगे फिर तो वृंदावन में कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण दिखेगा, सारा दुनिया में कृष्ण ही दिखेगा। इसलिए श्री सांतिल्य ऋषि ने कहा बोले कृष्ण कहीं नहीं गए। आप लोग वृंदावन में गए हो? और कर गए हाथ उठा कर गए सबके सब गए ना। इसलिए वृंदावन में आप दो वन देख रहे होंगे, एक निधु वन और एक निकुंज वन। देखे कि नहीं है? इसलिए देखे होंगे जहां भगवान ने रास किया है। कहते आप वहां अब शाम को जाओ, दिन भर देखना बंदर बंदर ही है, लेकिन शाम होते ही देखना ये बंदर अपने आप भाग जाते हैं, कोई भगाते नहीं, वो अपने आप दीवार से बाहर चले जाएंगे। उसी मंदिर में ठाकुर जी को रात को फूल की सज्जा लगाते हैं, दांतन लड्डू लोटे में पानी रख लेते हैं, लेकिन सवेरे जाकर के देखो ऐसे लगेगा मानो रात को कोई आकर के पुष्प की सज्जा के ऊपर में कोई लेट कर गए। कभी लड्डू नहीं मिलेगी, कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगी। अगर कोई बोले मैं जोर जबरदस्ती रह करके देखना चाहता हूँ तो गुंगा बन जाएगा नहीं तो मर जाएगा। वहां पर हमारी अपना मंदिर है, मैंने तो दो घटना देखा, एक गुंगा देखते हुए देखा, एक माता जी को मरते हुए देखा। क्योंकि प्रभु की लीला दर्शन करने का बाद है ना, फिर उसको बोलने का हिम्मत नहीं रह जाती है, नहीं तो प्रभु की लीला दर्शन करके शरीर को छोड़ देते हैं। अगर किसको विश्वास नहीं हो सचमुच से भगवान है क्या नहीं, एक बार वृंदावन में जाकर के वो मंदिर में एक बार रुक कर देखे, फिर पता चलेगा ठाकुर जी है क्या नहीं, उनको पता पड़ जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल जय जय श्री लाल जय जय श्री लाल। हमारी गौड़ीय संप्रदाय में इतने उदाहरण है, एक संत वृंदावन के भजन के लिए आए चैतन्य महाप्रभु का भक्त, गुरु जी के पास में आए, गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करेगा ना तब तक मेवा नहीं मिलेगी, जाओ। अभी भी श्री राधा रानी अपना सहचर्य को साथ में लीला करते हैं, रोज ये निधुवन निकुंजवन में झाड़ू लगाया करो, क्योंकि जब झाड़ू लगाओगे ब्रज का जो धूल है ना वो अपराकृत तिब्बत धूल है, वो धूल नहीं ये राधा रानी के चरण की रज है, ये ब्रजवासियों की चरण की ये रज है। इसलिए रसखान कहते हैं रमण लेती लेट नहीं कियो ना जमुना पार। ब्रज में जाकर के दो काम करनी चाहिए, एक तो रमण रथ में लोट को उठानी चाहिए धूल में, और दूसरे चीज यमुना नदी की आचमन करनी चाहिए। वो कहते हैं जब तक ये दो चीज नहीं करोगे ना बोले भैया फिर तो ब्रज की महिमा को तुम समझ नहीं सकते हो। इसलिए गुरु जी ने कहा देख बेटा रोज रोज झाड़ू लगाया करना, क्योंकि अभी भी राधा रानी लीला करती है। भगवान की चार तरह के रास है, एक है उनकी शारदीय रास, एक उनकी बासंती रास, एक उनकी नित्य रास और एक इनके महारास। भगवान की चार तरह का रास है। जो नित्य रास है अभी भी कृष्ण राधा जी को साथ में नित्य रास अभी भी करती है, अभी भी करती है। इसलिए हमारे संतों ने बताए अब अद्यापि वो सही लीला करे गौर राय कौन कौन भाग्यवान दिखाए। अभी भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, लेकिन कौन दर्शन करता है? बोले कौन कौन भाग्यवान, बोले कोई कोई विरल संत जो सचमुच से निष्कपट हृदय से ब्रज में भक्ति करते हैं अभी भी ठाकुर उनका दर्शन देते हैं। देखो संत की क्या हुई, गुरु जी ने कहा देख बेटा रोज झाड़ू लगाया करो निधुवन में राधा जी की कृपा मिलेगी। अभी वो संत रो रो करके रोज निधुवन में झाड़ू लगाते हैं और धूल से पूरा शरीर अभिषिक्त होता है, वो धूल से ब्रज रज से अभिषिक्त होता है, कभी लोट वोट खाता है, ब्रज रज से प्रार्थना करता है आप कृपा करके आपका लीला दर्शन करा।
अभी राधा की तो बड़ी दया, बड़ी कृपा में राधा है, इसलिए आप वृंदावन में जाओ, देखना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते। सुना है कृष्ण कृष्ण बोलते, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो और जोर से। वृंदावन में सबके सब श्री ईश्वर जी का नाम लेते। बोले क्यों? बोले ईश्वर जी बड़ी दया, राधा रानी बड़ी दया, जिसको अगर राधा जी की कृपा होना वही ब्रज में रह सकते, नहीं तो ब्रज में कोई नहीं रह सकते। जिसको अगर राधा जी की कृपा हो, क्योंकि राधा रानी बड़ी दया, राधा रानी बड़ी कृपा लो, इसलिए बोले करुणा गुरु करुणा भरते। राधा रानी साक्षात कृपा की करुणा की जो मूर्तिमान है श्रीमती राधा रानी। अभी राधा रानी ने देखा भैया रोज ये ब्रज रज में स्नान कर रहा है, ये ब्रज रज तो साधारण वस्तु नहीं, अभी रोज मेरे नाम को लेकर के रो रहा है। अभी राधा रानी दर्शन देने के लिए बहाना बनाए, अपना चरण की सोने के टुकड़े छोड़ कर गए। अभी वो संत रोज रोज वहां झाड़ू लगाने जाते हैं, देखा घना घोर जंगल में एक सोने की चरण की नुपुर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसको उठाए और अपना गुरु जी को दिखाए, बोले गुरु जी एक सोने की नुपुर मिला है। गुरु जी तो साधारण थे नहीं, और राधा जी के सहचरी है। बोले देख बेटा ये जो नुपुर है ना, ये राधा रानी की चरण की नुपुर है। राधा रानी तेरे को दर्शन देने के लिए उन्होंने बहाना बनाए। एक काम करियो, अगर कोई और कोई आए ना उनको मत दिया करना, बोलना जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए, अपना हाथों से हम पहनाएंगे। जब ये बात वो बोले, बोले तेरे को बड़ी परीक्षा भी होगी। इतने में ललिता विशाखा आए, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने आई थी, चरण की नुपुर कहीं घूम गई, तेरे को मिला है? बोले मिला है। बोले दे दो। बोले जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए और अपना हाथों से हम पहना दे। बोले तू बाबा ना मंडल है, हमारे घर की बहू, अरे हमारे घर की बहू होकर तू ब्रह्मचारी हो, संत हो, हमारे घर की बहू की प्यार में तुमने चरण पहनाओगे, तेरे का शर्म नहीं कर रहा है? अच्छा चाहते हो दे दो, नहीं तो भैया को बुलाएंगे तो भुलाई तेरी होगी। लेकिन गुरु जी ने क्या बताए? बोले देना नहीं, तेरे को परीक्षा हुई नहीं, बोलना जो कुछ बोलना बोल दो, हम तो अपना हाथों से ही पहनाएंगे। तब राधा रानी बोली देखो उनको बोल दो ये हमारी घर की बहू है, वो ऐसे नहीं आएगी, आंखों में काला पट्टी बांधो फहराएगी। बोले कोई बात नहीं। तब राधा रानी वहां स्वयं आए, उसने राधा जी के चरण में अपना हाथों से सोने की उन्हें नुपुर पहनाए। और राधा रानी तो प्रेममयी, राधा रानी तो रसमयी, राधा रानी भक्तिमयी, वो राधा नहीं, राधा रानी है कौन? बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रसमान। अगर कृष्ण प्रेम को अगर कोई एक रूप दिया जाए ना, ये राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम की श्रीमती राधा रानी, संख्यात प्रेम स्वरूप श्री राधा रानी। अभी राधा जी की चरण स्पर्श होते ही उसकी रोम रोम खिल उठा, आंखों से प्रेम की झरी बहने लग गई। तब उन्होंने राधा जी के चरण को पकड़ करके बोले हे राधे, जब आप यहाँ तक दर्शन दी हो, कृपा की हो, मेरे को दर्शन दी हो। राधा रानी तो बड़ी दया, बड़ी कृपा, वो दर्शन देना ही चाह रही थी। फिर आंखों को ऊपर में ऊपर से उन्होंने काला पट्टी खोल दी है, तो राधा जी के दिव्य स्वरूप को उन्होंने दर्शन की और राधा रानी ने बड़ी स्तुति की, जिसका नाम कहते हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। अगर वो स्तोत्र को कोई पढ़े ना, राधा जी की उसको पर भी कृपा होगी, राधा रानी जरूर उसको पर में कृपा करते हैं। बोले मुनिन्द्र बिंद वंदिते त्रिलोक सोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज गोपिलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नन्दिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कथा करी सश्रियम कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष वल्लरी प्रभाल पल्लव प्रभानुरागी गोमती
राधा रानी ने बड़ी बड़ी स्तुति की और राधा रानी कृपा करके आंखों की पट्टी खोल दी और अपना चरण से, चरण जो नुपुर थी, नुपुर से जो हम तिलक लगाते हैं ना, ये तिलक को बीच में अपना नुपुर से उन्होंने एक तिलक लगाया। अभी भी उसी संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में ठाकुर जी भी वृंदावन गए होंगे, वहां पर एक राधा श्याम सुंदर मंदिर जरूर दर्शन करना। इसलिए उनको राधा रानी अपना हृदय से, अपना हृदय से राधा रानी निकाल करके वो ठाकुर जी को दिया। अब अभी भी देखोगे उनका जो तिलक है, वो ठाकुर जी तिलक को बीच में राधा रानी जो चरण की नुपुर को चिन्ह कर लगा दी थी, अभी भी ठाकुर को भी वो नुपुर का चिन्ह से तिलक की जाती है। इसलिए कहते अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है, अभी कृष्ण कहीं नहीं है, लेकिन ऐसे जो भजन करते हैं ना, अभी भी राधा रानी उनको पर भी कृपा करती है, राधा रानी के आशीर्वाद अभी भी होती है। हमारी संप्रदाय में तो इतने प्रमाण है, श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को राधा रानी स्वयं अपना हाथों से खीर बनाकर खिलाकर खिलाती है, खीर बनाकर खिलाती है। एक संप्रदाय में संत हुए सनातन गोस्वामी, ये रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे, रोज गिरिराज की। जब वृद्ध हो गए, एक दिन परिक्रमा करते करते एक वृक्ष को नीचे लेट गए, मतलब कड़ी धूप थी जेठ महीना की। इतने में कृष्ण बलराम स्वयं आते हैं, ठाकुर जी स्वयं आते हैं और उनको ऊपर में छाया करके खड़े रहते हैं। इतने में कृष्ण समझाए, देख बाबा, जिंदे के भक्त ने इतने परिश्रम किया है, अभी तो वृंदावन में रह करके भजन करो, अभी ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, रोज ये गिरिराज परिक्रमा की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो संत ने कहा, देखो जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं परिक्रमा कभी नहीं छोड़ूंगा। तब कृष्ण स्वयं बंसुरी बजाए, बंसी ध्वनि से पूरा गिरिराज गोवर्धन पिघल गया, उसमें कृष्ण का चरण चिन्ह, गैया की खुर का चिन्ह, लपटी और उनके बंसुरी की चिन्ह देख करके बोले, देखो बाबा, अगर इसको चार बार परिक्रमा करोगे ना, गिरिराज के परिक्रमा करने के फल मिलेगा। अभी वो गिरिराज शिला वृंदावन में, वृंदावन गए हैं, एक राधा दामोदर मंदिर गए कि नहीं? राधा दामोदर मंदिर में गए हो? देखना रोज हजार हजार लोग वहां परिक्रमा करते हैं। इसलिए अभी भी श्री सांडिल्य ऋषि कहते बजरनाथ, कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी पूर्ण रूप में कृष्ण ब्रज में है। वो संतों के साथ भी कृष्ण बात करते थे, वो संतों एक दिन रोज जाते थे मथुरा में, एक चौबेली घर में ये मदन मोहन रहते थे, वो माता जी की इतने भक्ति थी, उनका एक बेटा था जिनका नाम था सदना, और वो ठाकुर जी को मदना, वो सोचती थी मेरे दो लाला है। देखो कोई कहते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं बोले सबरी जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जसोदा जैसे तुम भगवान सब कुछ करते। देखो जी कथा सुनो, वो ठाकुर को मानते थे मेरे लाला है, मेरे दो लाला है, एक तो कृष्ण मदना लेके और प्यार से उनका अपना बेटे को सदना और मदना मानते थे, मेरे दो लाला है। और सचमुच से ठाकुर जी उसको घर में खाना खाया करते थे, वो सवेरे सवेरे उठ करके बिना नहाए धोए इधर दांतन करती और दूसरे तरफ में खिचड़ी चलाया करती थी, खिचड़ी बनाती थी, और ठाकुर जी रोज प्रेम से उसको खाते थे और ये संत रोज दर्शन करते थे। एक दिन संत ने कहा, देख माता, ये स्वयं ठाकुर जी भगवान है, थोड़ी ऐसे रसोई बना कर देते हैं, एक तरफ में दांतन कर रहे, दूसरे तरफ में खिचड़ी चला रहे, अरे कम से कम स्नान करके पवित्र होकर के नया वस्त्र धारण करके ठाकुर जी को भोग लगाओ। वो तो भोली भाली ब्रजवासी है ना, हैं? अभी भोली भाली, पहले तो घर में आटा जवा थी नहीं, जंगल में जाओ शौच क्रिया के लिए, जमुना जाओ नहाने के लिए, अभी गई तो लेट हो गया। जब वो वापस आई, ठाकुर जी बैठ करके रो रहे थे, बोले मैया भूख लग रही है, मैया खिचड़ी खिला दो, भगवान को देखा रो रहे हैं। उन्होंने देखा, देखो इनकी अंदर में कितने शुद्ध वात्सल्य है, ठाकुर जी को झूठा हाथों में खाना खिलाती है, ठाकुर उससे ही प्रसन्न है।
लेकिन आज पवित्र बन करके खिचड़ी खिलाएगी ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले माता जी आपको पवित्र होने का जरूरत नहीं, नहाने का जरूरत नहीं, पहले जैसे भोजन कराते थे वैसे भोजन करा। ठाकुर जी उसी में ही खुश है, ठाकुर जी उसी में ही प्रसन्न है। इसलिए देखो भक्ति दो तरह का, कितने तरह का भक्ति है देखो, ये चीज को समझो। अगर हम भी सोचे हम भी ऐसे बनाएंगे हमसे नहीं होगा। बोले क्यों, भक्ति दो तरह का, एक वैद्य भक्ति और एक राग भक्ति। वैद्य भक्ति किसको कहते हैं, बोले शास्त्र के शासन का अनुरूप। देखो कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म भगवान है, इसलिए भगवान की नाम लेनी चाहिए, उनकी कीर्तन करनी चाहिए, उनको भोग लगानी चाहिए। कहते हैं ये विधि विधान को मान करके जो चलते उसको वैद्य भक्ति कहते हैं। बोले राग भक्ति किसको कहते हैं, बोले जो स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति जो प्रेम है। जैसे एक मैया अपना बेटे को, अगर बेटा रो रहा है दूध पीने के लिए, मैया क्या सोचती है, नहीं स्नान करके पवित्र होकर के बेटे को दूध पिलाओ, नहीं, क्यों, ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटा है। इसलिए जब स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति प्रेम हो उसको कहते हैं राग भक्ति है, हैं? ये राग भक्ति, ये भक्ति बड़ी दुर्लभ भक्ति, ये भक्ति बड़ी दुर्लभ भक्ति भक्ति है। इसलिए सनातन गोस्वामी बोले तुमको सब करने का जरूरत नहीं, पहले जैसे करते थे तुम वैसे ही क्या करो। भगवान बड़े प्रसन्न है। एक दिन ठाकुर जी कहते बाबा मेरे को साथ में ले चलो, तेरे साथ में चलूंगा। बोले लाला तू यहाँ पर बढ़िया बढ़िया रोज रोज मालपुआ और रागड़ी खिचड़ी घी दे करके खा रहे हो, मैं तो किसी तरह तरह चून मांग करके लाता हूँ और टिकिया बना करके बगैर नमक के खाना खाना पड़ेगा। बोले जो कुछ खिलाओगे मैं खा लूंगा, लेकिन मेरे को साथ में ले चलो। बोले भैया मैं तेरे को उठा करके नहीं चल सकता हूँ, चल करके जाना पड़ेगा, चलोगे। ठाकुर जी बोले मैं चलूंगा। फिर मथुरा से वृंदावन तक ठाकुर जी चलते 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 ठाकुर जी आ गए। अभी वो जैसे खाना खाता है वैसे भोग लगाते हैं, बगैर नमक के टिकिया भोग लगाते हैं। ठाकुर जी दो चार दिन खाए तो, लेकिन उसको बाद में खाया नहीं गया ठाकुर जी को। बोले सनातन तू तो सब्जी देता ही नहीं, अरे कम से कम इसमें नमक दे दिया कर तो, ये गला के नीचे नहीं उतरता है। देखो बाबा क्या कहता है, बोले नंद बाबा का नल लाख के आती तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तो गोपियों के घर में मक्खन चोरी चोरी करके खाता था। भैया मैं फक्कड़ बाबा कहाँ से तेरे लिए लाऊंगा, आज बोलो थोड़ा नमक दे दो, कल बोलो थोड़ा सब्जी ला दो, फिर बोलो थोड़ा राबड़ी ला दो, फिर बोलो थोड़ा दूध ला दो, भैया मैं कहाँ से लाऊं, भजन करूँ ना तेरे लिए दिन भर घूमते रहूं, मेरे से नहीं होगा खाना है ना, अपने आप संग्रह कर ले। फिर ठाकुर जी अपने आप संग्रह किया। कैसे संग्रह किया, जब बहुत बड़ी बड़ा कोई एक सेट था, पहले यमुना में नदी में पानी भरी रहती थी, वो नाव में बहुत सारे सामान को लद करके एक देश से दूसरे जगह पर बिजनेस के लिए जा रहा था। ठाकुर जी जान बूझ करके अपना मंदिर को सामने रहती की चरा में उन्होंने नाव धो लगा, नाव टस से मस नहीं हो। उन्होंने कहा भैया किया नाव ऐसे लग गया कैसे, यहाँ पर तो कोई रहती का चरा नहीं थी। इतने में देखा एक सुंदर सा बालक वहां खड़ा हुआ, वो बालक बोले बाबा इधर आओ इधर आओ। बोले क्या बात है, बोले देखो यहाँ पर एक बाबा रहकर भजन करते हैं, जाओ उनसे प्रार्थना करो तुम्हारी नाव अपने आप चलने लग जाएगी। लेकिन देखो संतों को पास में जा रहे हो ना, खाली हाथों में नहीं जाते, तुम्हारी नाव में नमक है ना। बोले हाँ, बोले थोड़ा नमक ले जाओ बाबा को भेंट ले लो, क्यों ठाकुर जी के बगैर नमक के खिलाते हैं, बोले थोड़ा नमक ले करके बाबा को दे देना। अभी गए सनातन गोस्वामी को बैठ करके एक लंगोटी पहने हुए, उनके पास में केवल एक माला जो है और उनके पास में कुछ है ही नहीं, वो तो बैठ करके आंखों से आंसू बहाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 मेरा नाव
और रति की चरा में लग गए, थोड़ा कृपा कर दो। बोले तेरे को कैसे पता चला ये जंगल में मैं भजन कर रहा हूँ? बोले वहां पर एक काला सा छोटा सा कालो कोई देखा, उसने ये बात बताए और बोले थोड़ा नमक लेकर के दिया। वो समझ गए ये मदन मोहन सारे यही, इसका ही सारे काम है, मैं नमक नहीं देता हूँ ना, जान बूझ कर रेती की चरा में लगा दिया ना को। अब बोले नमक लेकर के भेंट देकर के आओ। इतने में जब बोले देख ये मेरा काम नहीं है, ठाकुर जी का काम, उनसे प्रार्थना करो, मैं नमक नहीं देता हूँ ना, और तेरे को बोले थोड़ा नमक लेकर के दे करके आओ, मैंने नहीं लगाया, इसका ही सारे काम है, जा उसको प्रार्थना करो। लेकिन वो तो भक्त है, क्यों? भगवान सबका वस्तु नहीं ग्रहण करते, ये चीज को समझो। कहते दुर्योधन के मेवा त्यागे साथ विदुर भरे खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान दुर्योधन की मेवा मिश्री को त्याग दिए और विदुर घर में उन्होंने केले का छिलका खाए, साथ को भाजी खाए। भगवान सबसे वस्तु नहीं लेते हैं, जिसको प्रति ठाकुर जी की कृपा हो है? जिसको अगर मैं ठाकुर जी सेवा करना, जिसके ग्रहण करना चाहते हैं, ठाकुर जी केवल उन्हीं की वस्तु को ग्रहण करते हैं, नहीं तो ठाकुर सबका वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। इतने में कहा है ठाकुर जी, अगर आपकी कहीं से इच्छा है ना बढ़िया बढ़िया खाने की, कोई चिंता मत करो, अगर मैं इस बार जो बिजनेस में मेरे जितने लाभ होएगा वो सारे लाभ से तेरे लिए मंदिर बना दूंगा, तेरे लिए मैं गौशाला बना दूंगा, कोई चिंता मत करो। जो इतना बोले ना अपने आप चल पड़ा और उस बार उनको इतने लाभ, इतने ठाकुर की कृपा है ना, बोला है ना ठाकुर जी की मंदिर बनवाऊंगा, ठाकुर जी की गौशाला बनाऊंगा, ठाकुर जी इतने पैसा दिए। भगवान कहते ना मेरे तरफ में एक कदम चढ़ो मैं 10 कदम चल सकता हूँ। इसने इतने लाभ, इतने लाभ हुए, उसने इतने लाभ किया, लाभ से पूरा उन्होंने ठाकुर जी की सुंदर पत्थर का मंदिर बना दिया, ठाकुर जी के लिए गौशाला बना दिया। बस बोले ठाकुर जी अभी चकाचक रोज रोज बढ़िया बढ़िया मलाई राबड़ी लड्डू चमचम खाओ, और सनातन गोस्वामी एक पुजारी को रख लिया, बोले भैया मैं कभी जा रहा हूँ, तुम बढ़िया बढ़िया खाना खाओ। देखो इसलिए श्री शांतिल ऋषि कह रहे हैं श्री वज्रनाभ को, बोले वज्रनाभ कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण वृंदावन छोड़कर एक कदम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में कृष्ण अभी भी वृंदावन में लीला करते हैं। लेकिन उसको कौन दर्शन कर सकता है? बोले जिन्होंने अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन को लगाए, काजल को लगाए, वही केवल प्रभु की वास्तविक जो लीला है, ये वास्तविक लीला को दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी व्यवहार की जो लीला है, साधारण जो लीला है, दिखाई पड़ता है जैसे कृष्णा ये दुनिया छोड़कर कृष्णा चले गए, लेकिन कृष्णा कहीं नहीं गए, अभी कृष्णा पूर्ण रूप में। बोले भैया कृपा कैसे मिलेगी? कृष्णा अभी ब्रज में, अभी हमें उनके दर्शन कैसे मिलेगा? बोले एक उपाय है, कृष्णा जब चले गए उनकी जो लीला स्थली धीरे धीरे अंतर्ध्यान होने जा रही है, इसलिए उनकी लीला स्थली को तुम प्रकाशित करो और उनकी ठाकुर जी को प्रकाशित करो, फिर ठाकुर जी को कृपा होगी। फिर उन्होंने शांतिल ऋषि को लिए, परिकृति महाराज को लिए, कृष्ण कहाँ पर उन्होंने रास रचाए, कृष्ण कहाँ पर गैया चराए, ये गिरिराज गोवर्धन कहाँ है, ये नंदगांव कहाँ है, ये बरसाना कहाँ है, फिर उन्होंने फिर ये ब्रज को उन्होंने बैठाया। इसलिए आप वृंदावन में जाओगे, जहां जहां कृष्ण जैसे जैसे लीला लिए ना, देखोगे वो लीला के अनुरूप वो स्थान का नाम है। ब्रज में एक स्थान का नाम जावट, कौन कौन गए हैं जावट? जावट कौन कौन गए, हाथ उठाओ, दो चार। अब कौन कौन जाना चाहते हो बताओ, अब सबको हम ले जाएंगे। इसलिए कभी एक स्थान जावट है, बोले जावट नाम क्यों पड़ा? एक दिन कृष्ण एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर ब्रज से बैठे, इतने में गोपियां राधा जी के श्रृंगार कर रहे थे, लेकिन सब श्रृंगार तो हो चुकी है, लेकिन प्यार में ना जो मेहंदी लगाना बाकी रह गया, वो लगाने जा रहे थे, इतने में कृष्ण बंसरी बजाए और राधा रानी भागते भागते वहां पर आए। इतने में कृष्ण देखा सारे श्रृंगार तो राधा जी के ठीक है, लेकिन प्यार में एक अलका होता है, बंगाल में जो शादी की हुई लड़की पाता है वो जरूर उसको लगाते हैं, उनका वहां ट्रेडिशन है।
लेकिन इन प्यारे में केवल आलता नहीं लगाए, मेहंदी नहीं लगाई, कृष्ण ने एक वृक्ष का जो पत्ता था जिसको रगड़ना, जिसका जूस एकदम आलता जैसे मेहंदी जैसे, श्याम सुंदर राधा जी के चरण में उन्होंने मेहंदी लगा दी, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया जाबट, मतलब जिस बट वृक्ष को नीचे कृष्ण ने श्री किशोर जी के चरण में उन्होंने मेहंदी लगाई। एक स्थान का नाम आजनौ, आजनौ का नाम क्यों पड़ा? कहते कृष्ण कभी बंसुरी बजाए, राधा जी के श्रृंगार कर रहे थे गोपियां, उनके सारे श्रृंगार हो गए, लेकिन आंखों में केवल आंजन लगाना बाकी रह गया था। जब राधा जी आई, देखा श्याम सुंदर राधा जी के सारे श्रृंगार है, लेकिन आंखों में केवल काजल बाकी है। कृष्ण अपना हाथों से राधा जी के आंखों में काजल लगाया, और जिस पत्थर ऊपर में बैठे थे जैसे राधा जी के काजल लगाया, और अंगुल को लेकर वो पत्थर को ऊपर श्याम सुंदर जी रंग हो जाए ना, पोछ लेते हैं, पोछ लिया तो आप लोगों को कभी हम ले चलेंगे, देखोगे अब भी वो पत्थर को रगड़ना काजल अपने आप काजल वो पत्थर से निकलती है। अद्भुत वो एक स्थान है, हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में 84 करोड़ समय उस स्थान को हम लोग जाते हैं। इसलिए श्री बज्रनाथ ने पूरा वृंदावन में जो नंदगांव दर्शना गोवर्धन भगवान यहाँ रास किया गया चले, हमको पता कैसे चल रहे हैं, ये बज्रनाथ ने ये सारे स्थान को उन्होंने प्रकाशित किया। अब विशेष करके उन्होंने तीन नाथ, एक गोपीनाथ वृंदावन में गोपीनाथ है, एक श्रीनाथ है, और एक नाथ, तीन नाथ उन्होंने प्रकाशित किया। चार देव को प्रकाशित किया, मथुरा में केशव देव, गिरिराज में हरिदेव, और श्री कहते मथुरा में केशव देव, वृंदावन में हरिदेव, गोवर्धन में श्री गोवर्धन में हरिदेव, और दावजी में जाओ श्री बलदेव, और वृंदावन में गोविंद देव, तीन देव को उन्होंने प्रकाशित किया है। इन्होंने ये सारे ठाकुर जी को धीरे धीरे सारे ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित करके उन्होंने स्थापन की। और एक ठाकुर है जिनका नाम साखी गोपाल, उन्होंने दो गोपाल, एक मदन गोपाल एक साखी गोपाल, दो गोपाल जी को स्थापन किया। अब पुरी कौन कौन गए, जगन्नाथपुरी कौन कौन गए, हाथ उठाकर जगन्नाथपुरी, अब लोग जगन्नाथपुरी गए। अब देखना जगन्नाथपुरी से पहले जो स्टेशन है, जानते हो स्टेशन का नाम क्या है? अब बता सकते हो जगन्नाथपुरी से जो स्टेशन पड़ता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साखी गोपाल। ये भुवनेश्वर को बाद में पुरी को बीच में जो स्टेशन है उसका नाम साखी गोपाल उसका नाम है। बोले साखी गोपाल क्यों नाम पड़ा, कारण क्या? बोले कारण बताए, एक समय दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा में गए, सारे तीर्थ भ्रमण करते करते जब वृंदावन में आए, वहां पर एक गोपाल जी के मंदिर में रुके। एक वृद्ध ब्राह्मण और एक जवान ब्राह्मण था। वृद्ध ब्राह्मण जवान ब्राह्मण को बुलाया, देखे अगर तू नहीं होता ना, मैं कभी ये तीर्थ भ्रमण नहीं कर सकता था, तेरी सहायता से ये तीर्थ भ्रमण किया। देखो मैं जब वापस जाऊंगा, मेरी एक बड़ी प्यारी एक सुंदर बेटी है, मैं चाहता हूँ अपना बेटी को तेरे को शादी दूं। जो जवान ब्राह्मण का, देखो पिताजी इसलिए आप ब्राह्मण देवता मेरे पितृतुल्य है, इसी भाव से आपको मैंने तीर्थ भ्रमण कराया, आपका बेटी से शादी करने के लिए नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हो बेटी को शादी दोगे, यद्यपि हम दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन आप उच्च जाति के ब्राह्मण में नीचे जाति का ब्राह्मण हो, इसलिए आपका परिवार वाले मानेंगे नहीं। बोले बेटी मेरी, मैं बोलता हूँ शादी दूंगा, बोले अगर मुकर गए तो परिवार वाले, बोले देखो जो गोपाल है ना, इनको मैं साखी करके कहता हूँ, मैं जब जाऊंगा जरूर बेटी को शादी दिलाऊंगा। घर में आए तो वृद्ध ब्राह्मण अपना परिवार को बैठाया, देखो ऐसे ऐसे बात है, इसको सुन करके परिवार वाले नाराज हो गए, बोले पिताजी आपको बता दी हम श्रेष्ठ ब्राह्मण और वो छोटे जाति के ब्राह्मण, ये समाज हमें क्या बोलेगा, अगर हमारा बहनी को अगर शादी दिलवाए ना, हम सबके सब परिवार चहर झाकर मर जाएंगे। बोले मैंने जो ठाकुर को साखी करके आया, बोले ठाकुर जी पत्थर है, ठाकुर थोड़ी बोलते हैं। बोले नहीं, मेरे को तो पाप लगेगा। बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, अगर वो ब्राह्मण दो बार आता है ना,
आप केवल इतनी सी बात बता देना, मैंने क्या बताया नहीं बताया मेरी याद नहीं आ रही, सब हम कर ले। वो छोटा ब्राह्मण आकर जो पूछा, इतने में बड़ा ब्राह्मण ने इतनी सी बात बता दी, मैंने क्या बताया था नहीं बताया मेरे को याद नहीं आ रहा है। फिर तो उसको जितने परिवार बोले थे, बोले दुष्ट हमारे पिताजी के पास में बहुत सारी धन संपत्ति थी, तुमने धतूरा खिला करके सारे पैसा को हड़प लिया, फिर हमारी बहनी से शादी करना चाह रहे हो, उन्होंने तो डंडे ले लो कुछ मारने दोगे। उसने ग्राम पंचायत बुलाया, बोले ऐसे ऐसे बात, ग्राम पंचायत बोले कोई साखी है, बोले हाँ वृंदावन में हमने इन्होंने गोपाल जी को साखी करके आए थे, बच्चों को तो मौका मिली, बोले जा 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 वृंदावन चले जा, वो जो ठाकुर है ना उसको बुला करके ले जा। लेकिन उसको पूर्ण विश्वास था ठाकुर जी आएंगे ही, क्योंकि पूर्ण विश्वास था उसको ऊपर में ठाकुर जी जरूर आएंगे। उन्होंने जगन्नाथपुर से चलते चलते 1,500 किलोमीटर उन्हें वृंदावन में आए और गोपाल जी की मंदिर में गए, बोले ठाकुर जी ऐसे ऐसे बात है, आपको जा करके साखी देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोल पड़े, ठाकुर जी कहते हैं तुमने कभी सुना ठाकुर जी चलते हैं? बोले अगर ठाकुर जी चलते नहीं तो ठाकुर जी बोलते कैसे? आप जो बोल रहे हो आपको चलना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले देखो बहुत दूर है, एक काम करो मेरे को एक किलो चावल का खिचड़ी बना कर खिलाओ, इतना दूर जाना पड़ेगा। उन्होंने खिलाया तो ठाकुर जी पूरा खा लिया। बोले देख बेटा मैं पीछे पीछे चलूंगा लेकिन तू कभी मोड़ करके देखना नहीं। बोले मेरे को पता कैसे चलेगा आप आ रहे हो? बोले मेरे प्यार ने नुपुर बता हुआ, ये नुपुर का अच्छा आवाज है, इससे तुमको पता चल जाएगा। ठाकुर जी चलते चलते कटक तक चले गए। अब नाम सुनिए कटक, वहां पर महानदी है। इतने में रेती में ठाकुर जी के प्यार धसना शुरू हुआ। जब धसना शुरू हो गई जो नुपुर की छम 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 आवाज आ रही थी वो आवाज बंद हो गया। उसने कहा भैया कहां वृंदावन और कहां उड़ीसा तक आ गए, अभी तक तो छम छम आवाज आ रही थी लेकिन यहीं पर बंद कैसे हो गया? अगर मैं जा करके देखूं ठाकुर जी है नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। लेकिन ठाकुर जी बोले मोड़ करके देखना नहीं, मैं फिर चलूंगा नहीं। बोले तो पास में आई गए, अगर ठाकुर जी रुक गए ना फिर मैं सबको बुला लूंगा। उन्होंने मोड़ करके देखे तो कृष्ण बंसरी बजाते बजाते वहीं पर खड़े हो गए। बोले बेटा मैं और नहीं चलूंगा, और मैं नहीं चल सकता हूँ, तुमने देख लिया, जाओ राजा को बुला कर लाओ। उसने जा करके राज्य में हला मचा दी। ठाकुर जी वृंदावन से चलते चलते गोपाल जी आए, राजा रानी मंत्री पूरा देश देश उमड़ पड़े। वृंदावन से ठाकुर जी चलते चलते यहाँ पर आए, सचमुच से ठाकुर जी सभी को बीच में ठाकुर जी बोल पड़े, बोले ये ब्राह्मण जो कह रहा है ये सही कह रहा है, बड़ा ब्राह्मण मेरे को साखी करके आया था बेटी को शादी देंगे लेकिन इनके घर वाले राजी नहीं हो रहा है इसलिए उसने मुकर गया, लेकिन उन्होंने मेरे को साखी करके बताया था। इतने में रानी आई थी, वो रानी परम भक्त ठाकुर जी की, घर में गोपाल जी की पूजा करती थी रानी, बड़ी भक्त थी रानी। उन्होंने मन मन में सोच गई अगर ठाकुर जी के नाक में एक छेद होता है ना, मेरे पास में एक हीरे की बेसर ठाकुर जी के नाक में मैं पहना देती। रानी केवल मन मन में ये बात को सोच करके गई। जब रानी सो गई ठाकुर जी स्वप्न देते, बोले रानी मैं जब छोटा था ना मेरी मैया ने नाक में एक छेद बना करके रखी है, अभी भी वो छेद है लेकिन वो धूल में ढका हुआ, इसलिए तुम सोने की हीरे की बेसर लेकर के आओ और मेरे नाक में तुम पहना करके जाओ। रानी की नींद खुल गई, उन्होंने महाराज को कहा, बोले महाराज महाराज मैंने मन में ऐसे ऐसे सोच करके आ गई और ठाकुर जी कहते मैया जसोदा मेरे को नाक में एक छेद बना करके रखी, अभी भी वो छेद है, चलो हम जा करके देखते हैं। सचमुच से आ करके देखा ठाकुर जी के नाक में छेद है, अभी भी वो हीरे की जो बेसर है ना, जाओगे तो अभी भी ठाकुर जी के नाक में वो हीरे की बेसर देखोगे। रानी उनको पहनाया, पहले वो गोपाल जी अकेले थे, राधा रानी वहां पर थी नहीं, लेकिन राधा जी के बगैर कृष्ण का मन कहाँ लगता है, लगता है? कहते ना राधा जी के बगैर कृष्ण आधा है, राधा जी के बगैर कृष्ण आधा है। अभी कृष्ण का मन ही नहीं लग रहा है, बोले मेरे को यहाँ अकेले खड़े खड़े रख दिया, मेरी राधा जी है नहीं। अभी जो राधा रानी
जो पुजारी की बेटी रूप में राधा रानी जन्म हुई, अभी वो बेटी ठाकुर जी के लिए रोज फूल की माला बनाती है और सीसा के सामने खड़ी हो जाती, माला को पहनती है और पहन करके देखती है ये माला एकदम ठीक है कि नहीं, ये माला फिर उतार करके फिर ठाकुर जी को देती है। ठाकुर जी रोज वो माला को गले में धारण करते हैं, ठाकुर जी को मंदिर में शयन देते हैं, लेकिन ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते, पुजारी बेटी को साथ में सोते हैं। एक दिन क्या हुआ, पुजारी जी ठाकुर जी ज्यादा सो गए। आप देखना जब पुजारी मंदिर खोलता है पहले बेल बजाते हैं, देखो ये नियम है, ऐसे नहीं ठाकुर जी का स्क्रीन लगा हुआ छठ खोल दिया, नहीं ये नियम नहीं है, पता नहीं ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। इसलिए नियम है मंदिर खोलने से पहले 3 बार ताली बजाओ, नहीं तो कहीं बेल लगा हुआ होगा बेल को बजाओ, फिर ठाकुर जी की पट को खोलनी चाहिए, दरवाजा खोलनी चाहिए। इतने में पुजारी जी आए और घंटा को जोर से बजाए अभी ठाकुर जी खोलने के लिए, लेकिन ठाकुर तो मंदिर में है ही नहीं, ठाकुर तो उनको बेटी को पास में घर में सो रहे हैं ठाकुर जी। जब उन्होंने बेल बजाया ना, ठाकुर को नींद खुल गई, खुल करके बोले भैया मंदिर में तो है नहीं, मैं यहाँ सो रहा हूँ। ठाकुर जी जल्दी जल्दी आए लेकिन आते समय अपना बंसुरी लगा भूल गए, वो खाली बंसुरी से आए और ठाकुर जी चुपचाप खड़े हो गए। पुजारी जी दरवाजा खोल कर तो देखा ठाकुर जी सोने की बंसुरी है नहीं, पुजारी तो हल्ला मचा दिया ठाकुर जी की सोने की बंसुरी चोरी हो गई। राजा सियाट लगा दिया, देखो सोने की बंसुरी कहाँ गई, और ढूंढते ढूंढते पुजारी की बेटी की घर में सोने की बंसुरी मिली। राजा को तो बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट तुमने ठाकुर की सोने की बंसुरी चोरी करके हल्ला मचा दिया, ठाकुर की बंसुरी चोरी हो गई, बोले इसको बंद कर दो जेल में, जो बंद करो जेल में, अभी जेल में बंद कर दिए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, बोले भैया मेरे ससुर साहब तो जेल में बंद हो गए, चोरी किया मैंने और मेरे ससुर जी अभी जेल में बंद हो गए। फिर रात को ठाकुर जी स्वप्न दिए, बोले महाराज आप तो मेरे को यहाँ अकेले खड़े कर दिए हो, मेरे पास में श्री राधा रानी है ही नहीं, इसलिए मेरे मन नहीं लगता है, मेरी जो राधा है ना ये पुजारी की बेटी बन करके आए, उनको बेटी नहीं मेरी राधा रानी की जन्म लेकर के आई, आप तो मंदिर में मेरे को शयन देता हूँ, मैं मंदिर में नहीं सोता हूँ, मैं राधा जी के पास में सोता हूँ, आज मैं ज्यादा सो गया, पुजारी जी बेल बजाया तो मैं सो रहा था, जल्दी जल्दी आ गया तो सोने की बंसुरी मैंने छोड़ दी, उनको बेटी नहीं राधा जी के हंस में जन्म हुई, जाओ मेरे जितने अलंकार गहना है मेरे खजाना में इसको सब ले जाओ और वो बेटी को दुल्हन बनाओ और पालकी में बैठाओ और गाजा बाजा को साथ में लाओ और मेरे साथ में शादी कराओ। राजा स्वप्न देखकर बोले हाय रे, हम तो ठाकुर का ससुर जी को हमने जेल में बंद कर दिया है और उनकी बेटी राधा जी रूप में जन्म हुई है, तो उन्होंने मंत्री रानी सबको बुला कर लिए, जितने ठाकुर जी का अलंकार से उनकी बेटी को उन्होंने दुल्हनी बनाया, पालकी में बैठाया और गाजा बाजा को साथ में उनको लाए और ठाकुर जी को साथ में उन्होंने शादी कराया। जब वो लड़की अंदर में चली गई ना, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जब बंद हो गई थोड़ी देर बाद में दरवाजा खुला, देखा तो बेटी घर में वो मंदिर में वो बेटी नहीं है, तो राजा ने बड़ी सुंदरी राधा रानी बनाई, राधा रानी को बना कर फिर ठाकुर जी को पास में राधा जी को स्थापन किया। अगर कभी जगन्नाथपुरी जो गए नहीं, अगर कभी जाओगे ठीक स्टेशन से एक स्टेशन पहले, उसका नाम साखी गोपाल, क्योंकि ठाकुर जी साखी रहने गए थे इसलिए अभी भी वो स्टेशन का नाम साखी गोपाल, और इतने बड़े विग्रह है ना, कहते इंसान नाम जितने बड़े हैं उससे ज्यादा बड़े विग्रह है, और उनको पास में देखोगे बड़ी प्यारी राधा रानी त्रिभंग ललित ठाकुर में श्री राधा रानी की विग्रह आप लोग दर्शन करोगे। बोले श्रीमती राधा रानी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए बज्रनाथ ने ये सारे ठाकुर जी को प्रकाशित किया। जब प्रकाशित की एक दिन क्या हुआ, जब कृष्ण दुनिया छोड़कर चले गए, उनकी 16108 बच्चाएं, कृष्ण विरह में बड़ी दुखी है, लेकिन उन्होंने देखा जो काली नदी जो यमुना है वो बड़ी सुंदर से
जहां पर यमुना तट से कलकल नाद करते हुए बड़ी प्रसन्नता से श्री काले के कलकल नाद से बह रही, उनके अंदर में कोई दुख नहीं। महेश ने कहा, देखो कालमुनि, तुम भी कृष्ण प्रेयसी और हम भी कृष्ण प्रेयसी, लेकिन हम तो कृष्ण विरह में बड़े दुखी, लेकिन तेरे अंदर में कोई दुख ही नहीं, तू तो बड़ी प्रसन्न हो। बोले, कैसे तुम इतने प्रसन्न हो? बोले, देखो राधा रानी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण कहीं नहीं है। अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में ब्रज में, लेकिन कब कृपा होती है? जब राधा रानी की कृपा होगी तब ये चीज को आप समझ सकते हो। इसलिए राधा रानी की भी तीन स्वरूप है। कितना स्वरूप है? कितना स्वरूप है? तीन स्वरूप। हम लोग सुन लो, तीन स्वरूप क्या है? कहते हैं एक वीरांगिनी, एक संजोगिनी और एक वृषभानंदिनी। ये तीन चीज को अच्छे तरह समझ लो कि क्या है राधा रानी की तीन स्वरूप। एक स्वरूप उनके वीरांगिनी। वीरांगिनी मतलब है राधा रानी कृष्ण प्रेम में, कृष्ण से जो विरह है। जब श्री उद्धव जी आए ब्रज में, जब उन्होंने उद्धव क्यारी में गए, कैसे देखा राधा रानी को? सुंदर एक कमल पुष्प के ऊपर लेट दी गई और कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बन करके आए और राधा जी के चरण के ऊपर में बैठना चाहती है। और राधा रानी कृष्ण विरह में श्री श्याम सुंदर को भौरा मान करके जो उलाहना दे रही थी, बोले जितने काले सब धूर्त है, हम ये काले से प्रेम करना नहीं चाहते हैं। सबसे भी काले हुए श्री बामन थे, वो भी बलि महाराज को छरना थी। तृतीया युग में भी काले हुए, बोले राम, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुपर्ण का नाच काट दिए। बोले तुम भी वही काले हो, इसलिए भैया आप काले से तो कोई प्रेम करना नहीं चाहते। कभी ये जो राधा रानी कृष्ण विरह में तड़पड़ा रही है, कौन है? बोले ये सिद्ध राधा। एक राधा संजोगिनी। कभी ये संजोगिनी राधा कब है? जब कुरुक्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण में जब राधा जी को साथ में कृष्ण के मिलन हुई, राधा रानी बोले हे श्याम सुंदर, आप भी वही श्याम सुंदर हो, मैं भी वही राधा हूं। लेकिन जब हम यमुना किनारा में दोनों मिलते थे, जहां पर यमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, जहां पर बेली चमेली जुई सुंदर फूल जहां पर खिले हुए, जहां पर कोयल कूक रही थी, जहां पर मयूर केकार कर रहे थे, जब हम निकुंज में हमारे दोनों की जब मिलन होती थी, वो जो आनंद है, ये आनंद यहाँ पर है। अगर आप हमें खुश देखना चाहते हो, मेरी हृदय रूपी रथ में आप बैठो, आपको हम ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? आपको हम श्री वृंदावन ले चलते हैं। जब वृंदावन में निकुंज में हम जब मिलेंगे यमुना किनारे में हमें, तभी पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। तब राधा रानी अपना हृदय में श्याम सुंदर को बैठा करके कहाँ ले जाती है? श्री वृंदावन ले जाती है। और राधा रानी को बोलिए संजोगी, तब राधा कृष्ण दोनों मिले। एक राधा रानी वृषभानंदिनी। कहते भैया ये वृषभानंदिनी कौन है? बोले वृषभानंदिनी वो है जब कभी कृष्ण का विरह जब आस्वादन नहीं करते। क्यों? उनको उपलब्धि है कृष्ण हर समय में वृंदावन में, कृष्ण हर समय मेरे पास में रहते हैं, कृष्ण कभी वृंदावन छोड़कर कभी बाहर नहीं जाते हैं। इसलिए काले जी ने बोले देखो कृष्ण कहीं नहीं गए, कृष्ण अभी भी पूर्ण रूप में। बोले ये रहस्य किसको बता? बोले एक व्यक्ति जानता है, श्री उद्धव जी। क्योंकि कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेजते, अब उद्धव जी ब्रज में आ करके ये ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले उद्धव जी दो जगह में उद्धव जी है। एक गिरिराज दल थे, गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज है? हाँ तो क्या कौन कौन गिरिराज है? आप देखना जब आप गिरिराज परिक्रमा करोगे, ठीक राधा कुंड से पहले जो कुंड है उसका नाम कौन सा कुंड है? उद्धव कुंड है। कहते अभी भी उद्धव जी वहीं पर घास बन करके तपस्या कर रहे हैं। और एक स्वरूप में उन्होंने बद्रीनाथ कौन कौन गए? कौन कौन बद्रीनाथ गए? कितना लोग गए और कौन कौन जाना चाहते हो? आपको एक दिन में हम लेकर घुमा करके ले आएंगे। वहां पर जो चार धाम है ना, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, कम से कम 8-10 दिन लगेगा, पर गाड़ी में जाओगे। लेकिन ये ब्रज में भी एक बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री ब्रज में है। कृष्ण अपना
पिता माता को मैंने चार धाम दर्शन कराया था, हाँ चार धाम दर्शन कराया था, कभी ब्रज में कांबे बन रहे हैं, कौन कौन कांबे बन रहे देखे हो, कौन कौन गए हमारी भक्त लोग भी गए, आपके एक बार हम ले जाए, ठीक है ना। पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर है, जैसे कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है ना, उनके धाम में भी सब कुछ, उनको धाम में सब कुछ विद्यमान। ये ब्रज धाम अगर कोई दर्शन कर लिया तो समझो विश्व ब्रह्मांड आपने दर्शन कर लिया। कृष्ण ने सारे तीर्थ में वहीं पर अपने प्रकट करवाया, नंद जसोदा को लेकर गए थे और वहीं पर उन्होंने लक्ष्मण झूला, सुगंध शिला है, गंधमार्दन पर्वत, गंगोत्री यमुनोत्री अलकानंदा और श्री केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत, सब कुछ वहीं पर श्री वृंदावन में उन्होंने दर्शन कराया था। क्या उसी तरह ये ब्रज में सब कुछ ये ब्रज भूमि में है, इसलिए सबके सब गए, कहाँ पर गए सबके सब, कैसे गिरिराज तलहटी में गए और वहीं पर सबके सब मिल करके बड़े सुंदर ठाकुर जी कीर्तन करते ना, कीर्तन कर बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे की। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पांत पांत कर श्री राधे राधे जन्म किया पता श्री राधा नाम ते जाया। तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे, बहुत कम लोग हैं पर डर रहे हैं क्या ससुर से ले जाएगा, पता नहीं वृंदावन में क्या है, इसलिए सब लोग हाथ नहीं उठाए। अच्छा वृंदावन कौन कौन गए हैं, बहुत लोग गए हैं। अच्छा वृंदावन जब गए हैं तो वहां देखे होंगे कि कैसे लोग जाते हैं गिरिराज जी में, जैसे पूर्णिमा अमावस्या एकादशी गिरिराज जी में कैसे परिक्रमा लगती है, कीर्तन करते भय नाचते भय कूदते भय सब लोग जाते हैं, जाते हैं कि नहीं। तो इसलिए आप भी सभी लोग यहाँ कीर्तन में नाचते कूदते भय वृंदावन में आएंगे। तो आइए हरि वृंदावन धाम यपार जटे कोई कोई ताली बजा रहा है कोई नहीं बजा रहा है, एक संत वृंदावन में दूसरे संत से पूछ कर सकते भाई जहां देखो
वहां कहते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। कीर्तन में जागरण में भागवत में जहां देखो वही कहता है ताली बजाओ। आखिर ताली बजाने से होता क्या है? दूसरे संत ने पूछा, बोले ऐसा है कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता है। तो फिर दूसरे संत ने पूछा कि भाई पाप निकल कर जाता तो जाता कहां है, उसको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। बोले वो कहीं नहीं जाता, जो ताली नहीं बजाते उनके सर पे जाके बैठ जाता है और जो ताली बजाते हैं उनका निकल जाता है। और खाली जगह देखेंगे ना जो ताली नहीं बजाते तो उनके सर पे जाके बैठ जाता है। तो इसलिए आप लोग सोचिए क्या करेंगे, ताली बजाएंगे निकलना है कि बैठना है? निकलना है, इसलिए तो सब लोग ताली बजाएंगे। Thank you.
जिन प्रभाव है इतने प्रभाव के सभी उद्धव जी जो खास बनकर के भजन कर रहे थे साक्षात उद्धव प्रभु तब वही शिव ने प्रश्न की है तुम्हें ही कृष्ण ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को तुमने सांत्वना दी थी अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी हैं अभी तुम बताओ अभी कृष्ण हमें कैसे मिलेंगे तो उद्धव जी ने कहा देखो मैं भी एक ही प्रश्न कृष्ण को की कृष्ण जब ये संसार छोड़ करके जा रहे थे मैंने कहा कृष्ण तुम अभी दुनिया छोड़ करके जा रहे हो लेकिन हम एक साथ में खाए पढ़े लिखे सब कुछ एक साथ में किए अभी तुम ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो अभी तुम्हारी विरह को मैं सहन कैसे करूं तब कृष्ण ने कहा देखो हाँ आप लोग अच्छे तरह समझो कहते मैं ब्रह्मा का एक दिन में एक बार दुनिया में आता हूँ ब्रह्मा की एक बार हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते हर तृतीया में राम नहीं आते और हर कलि में श्री महाप्रभु नहीं आते बोले कब आते हैं बोले ब्रह्मा का एक दिन बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा हिसाब करने लगा बोले कृष्ण कब कब आते हैं बोले ब्रह्मा का एक दिन है ये कलिजुग का जो परम आयु 432,000 साल कलिजुग का परम आयु कहते द्वापर युग का इसका दो गुना कर लो कितना होगा बोलो 8,00,000 कितना हो गया 8,64,000 त्रेता युग को कलिजुग का 3 गुना कर दो कितना होगा बोलो हिसाब लगा ठीक है जो कुछ हुआ सत्य युग का कलिजुग का 4 गुना कर दो कलिजुग का सत्य युग का 4 गुना है अभी ये पूरा के पूरा मिला दो मिलाओगे तो उसको एक महायुग कहते हैं ऐसे ही 71 जब महायुग बीत जाए उसको एक मन्वंतर कहते हैं जब ऐसे 14 मनु बदले जाते हैं हैं 14 मनु जब बदले जाएंगे तब ब्रह्मा का एक दिन होता है मतलब है 1,000 चतुर्युग लाख लाख साल लाख नहीं करोड़ साल बीतने पर तभी कृष्ण द्वापर युग में आएंगे हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आएंगे और जब भगवान राम भी हर तृतीया में राम नहीं आते हैं और हर कलयुग में सिर्फ चैतन्य महाप्रभु भी नहीं आते हैं इसलिए ये जो कलयुग है ना इसको धन्य कलयुग बताया ये जो कलयुग साधारण कलयुग नहीं है ये धन्य कलयुग क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए और सर्वत्र उन्होंने हरि कीर्तन को प्रचार किया कृष्ण ने कहा उद्धव मैं और आने वाला नहीं हूँ मैं तो ब्रह्मा का एक दिन में केवल एक बार आता हूँ बोले प्रभु फिर आपसे हम मिलेंगे कैसे देखो कृष्ण क्या कह रहे हैं बोले देखो मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में दूसरे स्वरूप में रह रहा हूँ बोले प्रभु किस रूप में रहोगे बोले ये जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है बोले तेन अयम वांग मयि मूर्ति भगवान सप्त ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ में विद्यमान भगवान बोले भगवान की 8 स्वरूप है कितना स्वरूप है 8 है देखो क्या क्या है 8 एक है जो भगवान राधा कृष्ण अंदर में बैठे ये पत्थर से बने हुए ठाकुर ये एक स्वरूप है एक कभी कभी ठाकुर जी अष्ट धातु में बनते हैं वो भी एक स्वरूप है कभी कभी भगवान को देखो बड़े सुंदर चित्रपट में बनाते हैं ये भी एक स्वरूप है एक स्वरूप जिसका हम अपना हृदय में स्मरण करते हैं ये एक स्वरूप है कभी भगवान को लोहे में बनते हैं कभी ठाकुर जी मिट्टी में बनते हैं कभी ठाकुर जी रेती में बनते हैं और एक स्वरूप है कहते ये भागवत ग्रंथ रूप में जो अक्षर रूप में है कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है भगवान जो नाम रूप में जो विद्यमान है ये जो श्रीमद भागवत ग्रंथ नहीं ये भगवान ये सप्त ब्रह्म रूप में ये भागवत रूप में विद्यमान कृष्ण स्वयं कहते हैं कहते कलयुग में ये श्रीमद भागवत कथा को जो सुनेगा कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात है हम कथा नहीं सुन रहे क्या करें ठाकुर जी के साथ ना मीग रहे हैं और कथा सुनने का सबसे बड़ा श्रोता कौन आपको पता है हम तो कथा हमें अच्छी लगती है लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी किसको लगती है आप पता है कौन बताएगा बोले श्री श्याम सुंदर को राधा रानी को ये जितने प्रेम से कथा सुनते हैं ना उतना प्रेम से कोई कथा नहीं सुनते देखो आप एक सच घटना बताता हूँ जयपुर में एक गोविंद देव है वहां पर एक संत हर साल में एक बार आकर कथा सुनाते
एक साल उन्होंने कथा सुनाए, दूसरे साल जब आए तब उन्होंने श्रोताओं को प्रश्न किया, भैया ये बताओ पिछले साल मैंने ये भागवत कथा करते करते मैंने कहां पर मैंने विश्राम दी थी, पर उसको बाद से मैं कथा सुन करूंगा। बोले अब कल क्या खाया आज तक याद नहीं रहता है, और एक साल पहले कथा सुनाए और एक साल के बाद में पूछो तो सबके सब भूल बैठे, सबके सब इधर उधर देख रहे थे। इतने में वो पाठक ने कहा लगता है कोई तुम लोग ध्यान से कथा ही नहीं सुनते, यहाँ पर कोई कथा ध्यान से नहीं सुनता हो। इतने में ठाकुर जी की मंदिर से आवाज आई, बोले व्यास जी आप कैसे बता रहे हो कोई कथा नहीं सुनते, मैं कथा सुनता हूँ ना, कृष्ण स्वयं कहते कथा मैं सुनता हूँ ना, अपने कथा यहाँ तक विश्राम दी थी इसको बाद से फिर कथा शुरू हुई। इसलिए कृष्ण कलयुग में महाप्रभु रूप में क्यों आए, यही कारण है कृष्ण जब लीला करके अंतर ध्यान होकर चले गए, अभी गोलोक वृंदावन में कृष्ण बैठ बैठ के सोच रहे हैं, भले मैंने सारे चीज को आस्वादन की लेकिन एक चीज मैंने आस्वादन नहीं कर पाई, बोले क्या, बोले मैं कितने सुंदर हूं, मेरे अंदर में जो माधुर्य है जिस रूप को राधा रानी देख करके प्रेम में बेहोश हो जाते, जिस मेरे रूप को देख करके मैं स्वयं अपना प्रतिबिंब अपना परछाई को देख कर कृष्ण कहते भैया ये कौन है, हमने तो कभी इतने सुंदर रूप दिखा ही नहीं, कब मैंने राधा रानी बनकर के कब ये रूप को मैं आलिंगन करूं, कृष्ण अपना परछाई को देखकर पागल हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती है, जानते हो, बोले नंद लाला तुझे दी होत लाली गला कट जाती करुण में, बोले अच्छा हुआ तेरे को भगवान लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, तू इतने सुंदर तू इतने सुंदर अगर तू लाली बनता ना सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए लड़ करके सब खत्म हो जाते, अच्छा हुआ तेरे को लाली नहीं बना करके तेरे को लाला बना दिया, कृष्ण इतने सुंदर है। इसलिए कृष्ण ने देखा ये सुंदरता को राधा रानी पूर्ण रूप में आस्वादन करती है, इसलिए जब तक मैं राधा जी की भाव और अंग कांति नहीं लूं तब तक ये माधुर्य जो मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूं। इसलिए कलयुग में कृष्ण राधा जी से जो चीज उधार लिया, दो चीज उन्होंने उधार लिया, एक तो राधा जी के अंग कांति, इसलिए देखना जितने भगवान के अवतार सब काले, सारे राम भी काले कृष्ण भी वामन सब काले काले लेकिन एक ही गोरे बने श्री गौरांग महाप्रभु, इसलिए उनका नाम गौर हरि, गौर मतलब राधा रानी गोरी, हरि मतलब कृष्ण, ये राधा जी के भाव और ये अंग कांति उन्होंने दो चीज उन्होंने उधार लिया, किससे उन्होंने उधार लिया श्री राधा रानी से, और कलयुग में स्वयं कृष्ण ही श्री गौरांग महाप्रभु रूप में आए और दिन रात स्वयं कृष्ण अपना नाम लेते थे, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते कृष्ण तुम कहाँ हो, राधा रानी जैसे दिन रात कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती थी महाप्रभु भी, दिन रात कृष्ण प्रेम में पागल होकर के श्री राधा रानी भाव से श्याम सुंदर ढूंढती थी। इसलिए कथा की सबसे बड़ा जो श्रोता है श्री श्याम सुंदर भगवान कृष्ण, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब उन्होंने ये बात को उन्होंने बताए ये कलयुग में भागवत में ही कृष्ण है, कलयुग में जो कथा सुनेगा उसको साक्षात कृष्ण दर्शन मिलेगा, और जो कथा जो सुनते हैं समझो आपका कृष्ण दर्शन हो गया, कथा नहीं सुने कृष्ण दर्शन कर लिया। महेश्वर को बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले उद्धव जी फिर तो हमें भागवत कथा सुनाओ, हम लोग तो सात दिन कथा सुनेंगे और कितना दो दो तीन तीन घंटा, लेकिन उद्धव जी वहां पर बड़ी सुंदर भागवत को व्याख्या करते हुए महेश्वरों को उन्होंने एक महीना तक कथा सुनी। आप लोग उद्धव कुंड एक तरफ में उद्धव कुंड दूसरे तरफ देखो कृष्ण सरोवर है, जहाँ पर राधा रानी अपना सहेलियों को साथ में सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके सुंदर माला करके कृष्ण को पहनाया करते थे, कृष्ण सरोवर है वहीं पर उन्होंने एक महीना तक उन्होंने ये भागवत कथा श्रवण कराया। जब ये भागवत समाप्त हो गई भगवान कृष्ण स्वयं ये भागवत ग्रंथ से राधा रानी कृष्ण सखियां को
गोपी ये सब के सब ये भागवत ग्रंथ से प्रकट हुए, फिर महिषियों को साथ में मिले, फिर महिषियां जो कृष्ण विरह में दुखी थी इनके हृदय के सारे दुख को दूर हुआ। उसी तरह हम जब ये कथा सुनेंगे हमारा हृदय में जो कृष्ण विरह है, जो ताप है, आप देखना सांस लेने के बाद में आपका सब कृष्ण विरह दुख खत्म हो जाए, मतलब कृष्ण प्रेम में सबके सब शराब हो जाओगे, कृष्ण भक्ति में नाच उठोगे जब ये श्रीमद् भागवत कथा की विश्राम हुई। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रसाप्ति पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो। हम दो मिनट कीर्तन सुन लेते हैं फिर आगे की कथा सुनेंगे, ठीक है? मेरे पीछे पीछे सबके सब ताली बजाते हुए भगवान की नाम लेना, ठीक है? देखो प्रभु जी बता रहे थे ना, जहाँ जाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। बोले ताली बजाने से क्या होता है? बोले चार चीज लाभ। कितना लाभ? आज मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा क्या ताली बजाने से चार लाभ किया है। पहला लाभ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे हम आंगन में गेहूं चावल कोई सुखाने के लिए दिए, अगर कोई चिड़िया खा रहा है चुभ रहा है उसको भगाने के लिए क्या करते हो? ताली बजाए तो चिड़िया उड़ जाती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं कभी कभी पाप और चिड़िया हमारे सर पर बैठ जाती है, लेकिन ताली बजाओ ना कि पाप और चिड़िया उड़ जाती है। ये पहला लाभ है। बोले दूसरा लाभ क्या है? आप लोग ने जो भक्ति है ना ये एक साइंस है, ये मत समझो ये कि मन की भावना और कुछ नहीं। हमारे ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं, अभी का साइंटिस्ट जैसे नहीं। देखना एक साइंटिस्ट आकर के एक अपना फिलोसफी बोलता है, दूसरा साइंटिस्ट पूरा उसको काट करके जाता है। इसलिए बच्चों का कभी कभी पुस्तक बदलती, बोले क्यों ये न्यूटन ने ये बताया था और अभी का जो साइंटिस्ट कहते नहीं ये गलत है। बच्चों का पुस्तक बदलती है लेकिन अभी तक हमारा वेद का कोई अक्षर बदला? गीता की कोई अक्षर बदली? रामायण रोज पढ़ते उसका अक्षर कभी बदला? कहीं बदली है? कहीं नहीं बदला। क्यों? ये प्रॉपर साइंस। व्यास वाल्मीकि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे, इन लोगों ने भक्ति करते हुए अपना हृदय में प्रभु का दर्शन किया है। हैं कभी बद्ध जीव में चार दोष होता है, कितना दोष होता है? चार। बोले क्या? बोले भ्रम प्रमाद कर्णापातक और विप्रलिप्सा। हमारे इंद्रियों में ये चार दोष है, हैं? कहते भ्रम मतलब होता है एक चीज को देख कर दूसरे चीज। अभी का जो साइंटिस्ट, अच्छा तरह से सुन लो, अभी का जो साइंस है इस सब के सब प्रत्यक्षवादी है, मतलब है वो कहते हैं हम जो देखेंगे वही मानेंगे, जो नहीं देखेंगे कैसे मान सकते हैं? देखो कितनी गलती चीज है। आप बहुत गर्मी पड़ा है, आप जा रहे हो गाड़ी में बैठे करके पीछू रोड में देखना, दूर में पानी 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 दिखता, दिखती कि नहीं? देखो क्या पानी है? पानी है क्या? नहीं। जब पास में देखोगे पानी नहीं। अगर बोलोगे आंखों से जो देखेंगे सही पड़ते तो गलती है। आप देखना किसी पानी के अंदर में कोई डंडे को डाल दो, आप देखना वो डंडा टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, क्या वो टेढ़ा है? आप मिरर के सामने, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, देखना आपको उल्टा हाथ सीधा लगेगा, सीधा हाथ उल्टा लगेगा, लगता कि नहीं? क्या ये सही है? कोई फैन घूमती बड़ी तेजी से, देखना घूम रही ऐसे लेकिन लग जाए जैसे उल्टा घूम रहे, ये गलत है कि नहीं? अगर हम बताएंगे जो प्रत्यक्षदर्शी जो चीज आंखों में देखेंगे वही ठीक है, नहीं गलती है। अब एक ग्लास पानी लो, आपको बताया कि ये जैसे एकदम फिल्टर वाटर है, आप पूछेंगे भैया ये फिल्टर है कि नहीं? एकदम प्योर है, लेकिन आप अणुवीक्षण यंत्र से देखो एक ग्लास के अंदर में इतने बैक्टीरिया है, पृथ्वी में इतने विषाणु भी नहीं, लेकिन यदि आंखों से क्या दिखती है? तो प्योर है, लेकिन मशीन से देख तो प्योर है। इसलिए ये आंख हमें बहुत धोखे देती है। ये साइंटिस्टियों का क्यों गलत होता है? इसलिए आप देखना अक्सर करके साइंटिस्ट बोलेंगे सियात इतने साल की होगी, सियात सियात कितने बोलते हैं, अनुमान करते हैं, अनुमान अनुमान नहीं। लेकिन ऋषि मुनि लोग भक्ति करते करते हृदय में जब भगवान प्रकट होते हैं उनकी जो इंद्रिया है एकदम प्योर हो जाता है, उनकी इंद्रियों में कोई भ्रम करना पाटा विप्रलिप्सा ये सब चीज नहीं रहती है, उनको ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है वो जो कुछ। इसीलिए रामायण बदली नहीं, गीता नहीं बदली, भागवत नहीं, एक अक्षर नहीं बदला, लेकिन साइंटिस्टों का
सब चीजें बदलती है। आप बोलोगे भैया ताली में क्या साइन से, आप लोगों ने सुना होगा कि आपको प्रेशर नाम सुने होंगे, ये चाइना में सबसे ज्यादा, पहले तो भारत में था। जो आप रामदेव बाबा को देखे होंगे ना, बोलता है ना यहाँ पर दबाव आंखा रोशनी बढ़ेगी, यहाँ पर तका कैंसर सही होगा, यहाँ पर तका टीबी सही होगी, यहाँ पर तुम्हारी लीवर, कहते ना देखे होंगे रामदेव बाबा की। जब आप ताली बजाओगे ना, जितने जोर से तुम ताली बजाओगे एक तरह से आपको प्रेशर होता है। आप देखना एक मिनट जोर से ताली बजा दो, तुम्हारे शरीर का सारी ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, शरीर की गरीबी हो जाएगी, सारे नस तुम्हारी खुल जाएगी, इसलिए ये आपको प्रेशर है। और दूसरा लाभ है, ताली बजाओगे जो साइन से बैठते हैं ना, आप देखोगे जितने सारे नस और प्यास से जुड़ा हुआ है बातों में, जब आप ताली बजाओगे सारे नस खुल जाती है, अपनी इंटेलिजेंट बढ़ोगे, ब्रेन आप बढ़िया एकदम बड़ा तेज बनेगा तुम्हारी ब्रेन। और सबसे ज्यादा लाभ सुनो ताली बजाने से, अच्छे तरह से सुनो, जब हम संसार में बहुत ज्यादा कहीं दुखी हो जाते हैं, फिर आप किसी ज्योतिष को पास हो जाते, भैया देखो तो ये दुख किस तरह से हल नहीं हो रहा है, एक बाद में एक, क्या भैया ज्योतिष तुम्हारे दुख दूर कर देगा? बोलेगा भैया ये स्टोन लगाओ, ये लगाओ, इतना हजार सब माल ले लेगा, पैसा ले लेगा, तो दुख नहीं दूर कर सकता है। और दुख दूर करता तो अपना दुख दूर नहीं कर पाते, तुम्हारा क्या दुख दूर करेगा, वो नहीं कर सकता है। लेकिन ये दुख को कब दूर कर सकता है? बोले भगवान। इसलिए उनका एक नाम ईश्वर, पर ईश्वर का डेफिनेशन किया है, बोले अगर तो अन्यथा कर्तुम जो सत्य थे स ईश्वर, ईश्वर का डेफिनेशन दिया जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते वो ईश्वर है, वो दिन को रात, रात को भी वो दिन कर सकते हैं। लेकिन जब ताली बजाओगे उसमें क्या होगा, बोले तुम्हारी जो भाग्य रेखा है ना ये बदल जाएगी, ये भाग्य रेखा बदल जाएगी अगर भगवान की कीर्तन में अगर तुम ताली बजाओगे ठाकुर को कीर्तन में। आप बताओ हम ताली कब बजाते हैं, ये ताली कब बजाते हैं, हम कहते हैं ना भैया उनको स्वागत में ताली बजाओ, कहते ना इनकी स्वागत में ताली बजाओ, यहाँ किसकी स्वागत कर रहे हो, किसके स्वागत कर रहे हो, ठाकुर जी की स्वागत कर रहे हो। आप मेरे तरफ में देखो, ये माताओं के लिए ना ये उनका हाथ है, ये जो रेखा है ये भाग्य रेखा है, अपने आप देख सकते हो ज्योतिष को बात की जरूरत नहीं, ये जिसकी ये रेखा जिसकी बढ़िया होगा ना उतना उसको भाग्य है। और भाई लोगों के लिए ये जो रेखा है ये भाग्य रेखा है, जिसको जितना अगर कहना है ये जो भाग्य रेखा दो रेखा को पार करके तीसरी रेखा को पार करे, अगर त्रिशूल रूप धारण करे सारा दुनिया में उसको जय जयकार हुई। अब अपने हाथ को देख सकते हो, आप ताली बजाने से पहले देख लो, आप ताली बजाने का बाद में कर देख लो, अब वो भाग्य रेखा बदल की नहीं, ठीक है। इसलिए अगर ताली बजाओगे ना आपकी भाग्य रेखा ठाकुर बदला देते हैं, इतने लाभ, क्योंकि ठाकुर को स्वागत में आप ताली बजा रहे हो, वही केवल भाग्य बदला सकते हैं, दुनिया में और कोई हमारे भाग्य नहीं बदला सकते, ठीक है। मेरे पीछे पीछे सब कीर्तन करना, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे गोविंद
बोले भैया मंगलाचरण मतलब क्या? बोले कोई भी काम करो अगर आप मंगलाचरण को माध्यम से करोगे ना, वो काम तुम्हारी बहुत अच्छे तरह से काम तुम्हारी हो जाएगी, उसमें किसी तरह का कोई विपत्ति कभी नहीं आएगी, इसको कहते हैं मंगलाचरण। तब उन्होंने तीन श्लोकों में उन्होंने मंगलाचरण की। जो पहला जो श्लोक है कदी ये श्रीमद भागवत का इष्ट बोल है, इसलिए उसमें बताया सत्यम परम धीमहि, मतलब वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। लेकिन इसमें कोई नाम नहीं दिया, इसमें केवल विशेषण विशेषण, मतलब वो कौन है करते हैं क्या ये दुनिया क्या, केवल उन्होंने गुण ही गुण बताया लेकिन इसमें कोई नाम ही नहीं बताया। इसलिए उसी एक श्लोक के ऊपर में 108 टीका है। जो ब्रह्मा जी को उपासना करते हैं बोले भैया तो ब्रह्मा ही सब कुछ दुनिया को सृष्टि करते हैं। जो शंकर जी को पूजा करते बोले वही तो संहार करने वाले। जो मैया देवी को पूजा करते भैया जगदम्बा जगत जनक जी तो वही है। जो श्री हनुमान जी की पूजा करते कहते हनुमान ही सब कुछ, लेकिन जो गणेश जी को पूजा करते भैया गणेश ही सब कुछ है। अभी एक श्लोक के ऊपर में अलग अलग टीका करूंगा अलग अलग चीज है। लेकिन श्री बल्लभाचार्य कहते नहीं, ये किसी की ध्यान नहीं किया है, तो जो परम सत्य है ना वो केवल भगवान से बाकी है, ये कृष्ण ही परम सत्य। बोला आप कैसे बता रहे हैं परम सत्य, किसका नाम नहीं दिया। तब उन्होंने उदाहरण देते हैं, जब कृष्ण देव के गर्भ में आए उसी समय हम आगे सुनेंगे सारे 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा इंद्र चंद्र वायु वरुण 33 करोड़ देवता उन्होंने गर्भ स्तुति की है। वो गर्भ स्तुति का जो पहला श्लोक है बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य 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 मृत सत्य नित्य। इसलिए वो पहला श्लोक में कहते भैया वो परम सत्य क्या, बोले परम सत्य केवल संसार के विहार करने आया, वो पहले भी सत्य था अभी भी सत्य बाद में भी सत्य रहेगा। इसलिए आप देखना जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं ना, यही बोलकर राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब परिवार झूठा है, जगत में प्रभु की भक्ति वगैरह सब झूठा है जगत में। इसलिए परम सत्य कौन है, श्री भाग्य बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले भैया वो कौन है, बोले जन्मांतर जिनसे जगत का सृष्टि स्थिति पड़े होता है, जिनके आदेश पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जिनके आदेश पर विष्णु पालन करते हैं और जिनके आदेश पर शंकर जी संहार करते हैं। इसलिए अन्य व्यतिरिक्त रूप में विश्व ब्रह्मांड का जो सृष्टि रचया कौन है, ये कृष्ण कन्हैया है, जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी की हृदय में सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने स्पूर्ण कराया। बोले ज्ञानों में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम, उन्होंने उनके हृदय में सारे दिव्य ज्ञान को स्पूर्ण कराया। अब भगवत आदेश से ब्रह्मा ये सृष्टि को रचना की, कहते ये कौन है, बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। फिर हमारे जो रस्सी के टीकाकार कहते हैं बोले भैया केवल परम सत्य कन्हैया ना और कौन है, बोले नहीं और भी कोई है, इसलिए वृंदावन में जाओ, वृंदावन तो कृष्ण का धाम है लेकिन कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जोर से बोला और जोर से बोला, वृंदावन में सबके सब श्री किशोर जी के नाम लेते हैं, क्योंकि बोले राधा के बगैर कृष्ण आधा है। बोले वृंदावन में राधे राधे क्यों बोलते हैं, ये कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते हैं, इसका कारण भाग्य बिहारी खुद कहता है। बोले रा भक्ति उत्तम कृष्ण कहे, अगर कोई तो बोले रात करो बोल देना, कृष्ण कहते भैया मेरे चिंता में बढ़ जाता हूँ। बोले भैया कौन सा चिंता, उसने मेरे राधा जी का जो पहला अक्षर रा बोला उसको मैं क्या दूं, कहते रा अक्षर के इतने महत्व है, कहते विश्व ब्रह्मांड में उसको कुछ देने के लिए मेरे पास में रहता ही नहीं, इतने रा अक्षर की महत्व। कृष्ण कहते भैया तब से मैं उसका ही हो जाता हूँ, बोले आज से मैं तेरा ही हो गया, राधा जी का रा अक्षर बोला ना, और जब धा कोई बोल दे रा और धा, कहते भैया मैं तो रा धा ये दो अक्षर को सुनने के लिए उसको पीछे पीछे ढोलता रहता हूँ। इसलिए भजन गाते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी।
हमें दिखता है राधा कृष्ण दो, लेकिन तत्व तो राधा कृष्ण दो नहीं, एक आत्मा केवल दो देह है। फिर प्रश्न है, फिर राधा जी के रूप में क्यों प्रकट हो? कारण क्या? बोले कारण है, कृष्ण को पता है कृष्ण कैसे खुश हो गए, कृष्ण को पता, इसलिए कृष्ण अपना सेवा शिक्षा देने के लिए एक राधा जी के रूप धारण किए। इसलिए राधा मतलब क्या? बल आराधयति इति राधा, हैं, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो कृष्ण की आराधना करती है, वो सेवा करती है, ये राधा रानी नहीं कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा की एक मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाओ तो इसके नाम लेते हैं, कोई जोर से बोल रही है कृष्ण राधा रानी। इसलिए जो पहला जो श्लोक है ना, इसकी ध्यान करते हैं, राधा कृष्ण स्वरूप को ध्यान करती, पहला श्लोक किया। बोले मंगलाचरण का दूसरा श्लोक क्या है? बोले प्रतिज्ञा। देखो भागवत कथा की कितना बड़ा प्रतिज्ञा, जगत का नियम है कुछ करो फिर मिलेगा, कृपा, क्री मतलब करो और पा मतलब पाओगे, करोगे तब पाओगे। लेकिन देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा, तो भागवत क्या प्रतिज्ञा करते हैं, एक श्लोक में उन्होंने तीन प्रतिज्ञा की। बोले धर्म प्रजीत कैतव अत्र, पहला अत्र में बताया, ये भागवत में केवल विशुद्ध भक्ति की बात बताई गई, यहाँ पर कोई कर्म ज्ञान योग भोग का भागवत में धर्म आप लोग का सामने आ जाए, यहाँ तक बैठ जाए, पीछे लोग बैठ जाए, और थोड़ा आगे सर कर आगे, और थोड़ा थोड़ा आगे, और थोड़ा थोड़ा सब जम के लगे हैं बर्मे से मतलब ये श्रीमद् भागवत में विशुद्ध रूप में केवल भगवान के प्रेम की बात बताया। इसलिए हम आगे जा करके सुनेंगे, व्यास देव ने जब सारी ग्रंथों को रचना की शांति नहीं मिली, लेकिन जब ये भागवत ग्रंथ को लिखे पूर्ण रूप में तभी उनको शांति मिली। क्यों? ये भागवत में विशुद्ध भक्ति की बात है। इसलिए बोले वेद्य वास्तव मत्रम, ये भागवत ग्रंथ में जो वास्तव सत्य जो भगवत प्रेम को विद्यमान बोले, और जो तीसरा अत्र है बोले सत्य हृदय अवरुद्ध अत्र। देखो कथा की क्या बात है, जैसे ये सनातन मंदिर में कथा हो रही है, हमारे श्री रमेश प्रभु की और राधा प्रिया दीदी जैसे कथा करवा रहे हैं, अभी घर में से नहीं आए, लेकिन आप घर में बैठे हो, आपको पता चला कथा हो रही है। अगर किसी ने इसी मात्र इच्छा कर दे कथा सुनने जाऊंगी, नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, इतना इच्छा मात्र से क्या होता है, बोले सत्य हृदय अवरुद्धते। उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति घर के अंदर में जाए और अपनी आप को अंदर से कुंडी लगा करके बंद कर दिया, उसी तरह कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, और बैठ कर खुद कुंडी लगा कर बैठ जाते हैं, मतलब भगवान उसके हृदय से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। अगर केवल सुनने की इच्छा करे, अगर कोई सचमुच से कोई कथा में आए फिर बैठ कर कथा सुने, भागवत कहता भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। इसलिए एक जन्म नहीं बोले करोड़ों जन्म का पुण्य से कोई ये भागवत कथा सुनता है, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म का पुण्य से। बोले भैया कथा को कौन सुन सकते हैं? बोले सब नहीं सुन सकते, बोले केवल दो व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं। बोले कौन? बोले एक रसिक और एक भावुक, जो कृष्ण भक्ति रस में जो डूबा हुआ है और कृष्ण भाव में जो तन्मय, केवल यही दो व्यक्ति कथा सुन सकते हैं, इसलिए कथा कोई नहीं सुन सकते हैं। इसलिए जो कथा सुनने के लिए आए हो, कल हम बता रहे थे ना शंकर जी क्या कहते हैं, अति हरि कृपा जा परमो अति हरि कृपा जा परमो Thank you.
संकट सोई हरि हरि से बोले जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो अति हरि कृपा वही व्यक्ति आकर के कथा सुन सकता है और जो कथा सुनने वालों को फल किया है बोले भगवान की चरण प्रेम और एक तीर इस संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवत चरण को वो प्राप्त करते हैं। इसलिए ये भागवत कथा की इतने महिमा फिर जो तीसरा जो श्लोक वो किया है बोले ये आशीर्वाद बोले भैया भागवत कथा सुनने से हमें क्या मिलेगा बोले ये कथा नहीं कति ये आशीर्वाद है। इसलिए बोले हम कथा नहीं सुन रहे हैं बोले कहाँ बैठे हो बोले कल्प वृक्ष के पीछे बैठे हैं। बोले भैया कल्प वृक्ष का मतलब क्या है बोले जो मांगो आपको वही मिलेगा। इसलिए कल हम सुन रहे थे दुखी को सुख देते हैं निर्धन को धन प्रदान करते हैं रोगी को निरोग प्राप्त कराते हैं जो जो कुछ मांगता है। इसलिए बोले अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारती तिप्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुष पर। इसलिए भागवत ऐसे के ग्रंथ है उस सब की इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसके बाद भागवत कथा हाँ देखो एक ध्यान देने की बात को सुनो कहते भागवत तो सब कुछ देता है जो मांगोगे पूरी करोगे लेकिन हमें यह भी सीखनी चाहिए भागवत से क्या मांगनी चाहिए थक जाओगे नहीं तो भागवत से हम थक जाएंगे ये जो देख मांगोगे तो वही दे देगा ना लेकिन अगर मांगना नहीं जानते तो फिर ठगोगे। उदाहरण दिया कोई एक गरीब ब्राह्मण था उसके पास में गैया थी उन्होंने धन कुबेरे को उपासना की धन कुबेर मतलब सारे धन दौलत का जो मालिक है अभी कुबेर जी संतुष्ट होकर बोले बेटा भर मांगो लेकिन बेचारा बड़ा गरीबी है पास में गैया थी बोले महाराज जी मेरे पास में कि गैया है इसलिए गैया को खाने के लिए थोड़ी सी चुना भूसी हमें दे दो। कुबेर जी ने देखा कितना बेवकूफ देखो अरे मैं धन कुबेरे हूँ इतने धन दौलत मैं तेरे को दे सकता हूँ ना तू भी खा तेरे के बेटा का बेटा का बेटा खाएगा तब भी समाप्त नहीं होगा लेकिन तू क्या मांग रहे हो धन कुबेरे को गैया के लिए चुना भूसी मांग रहे हो बेवकूफ अरे ऐसे चीज मांगो जो जन्म जन्मांतर के सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाए हैं। उसी तरह अगर भागवत से हम ये दुनिया की अगर चीज मांग ले बेटी शादी नहीं हो रही शादी तरह झट हो कर देंगे धन दौलत नहीं दे देंगे पुत्र परिवार दे देंगे लेकिन थक जाएंगे। जैसे बच्चे हैं लोले उसको खिलौना देखा कर भुला देते हैं ठाकुर जी को देखकर भुला देते हैं अपना भक्ति से दूर कर देंगे हैं अब उसी में ही हम रह जाएंगे। इसलिए ऐसे एक चीज मांगो भगवान से जो एक चीज मांगो तुम्हें सब मिल जाएगा। अब हनुमान का नाम सुने हो कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो अब सब जानते हो। देखो हनुमान जी सीख लो क्या मांगोगे जब माता सीता को उद्धार करके लाए अभी भगवान राम हनुमान को बड़े प्रसन्न है बोले बेटा अगर तू नहीं होता है ना मैया सीता की उद्धार होना बड़ा कठिन था इसलिए आज मैं तुम्हारे ऊपर में बहुत प्रसन्न हूँ तुम जो मांगोगे ना हम सो तेरे को दे देंगे। देखो हनुमान जी क्या कहते बोले बार बार बर मागो हरती ते हो श्री रंग पद सरोज मन पाईनी भक्ति सदा सत संग यही मांगते बोले प्रभु केवल एक ही चीज दो हमें भक्ति दो अनुपायनी निष्काम भक्ति दो और संतों की हमें संग प्रदान। इसलिए हनुमान को देखो आनंदी आनंद हनुमान जी आनंद ही आनंद जो दुनिया की जो वस्तु है ना वो थोड़ी समय के लिए सुख देता है फिर दूध ना बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा का जब शादी हुई बहुत कान में ऐसे एक रात में मंत्र दी दूसरे दिन बेटा का बलि करा पैसा नहीं पैसा नहीं परिवार में लड़ाई करा ये जितने वस्तु है ना बंधन और दुख देता है बार बार। लेकिन जो भगवान की जो भक्ति है ना अभी भी आनंद देगा और बाद में भी आनंद ही आनंद देगा। इसलिए ये भागवत नहीं कल्प वृक्ष है
बोले भैया कैसे कल्प वृक्ष है? बोले निगमा कल्प तरूर गलितम कला। बोले ये श्रीमद भागवत क्या? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। एक में तो पका हुआ फल, दूसरे में ये सुखदेव गोस्वामी तोता ने उसमें चोंच मार दी। कहा बताए उसमें दो विशेष गुण है, वो जो तोता है ना उसका जो विशेष गुण है वो किसी कच्चा फल में चोंच नहीं लगाएगा, वो केवल पक्के फल में ही चोंच मारता है। मतलब ये भागवत ये पका हुआ फल। दूसरा कारण है ये तोता जिसमें चोंच मारे उसमें ज्यादा विकास आ जाता है। इसलिए भागवत तो एक रसमय है ही है, ये तो प्रेममय है, लेकिन ये कथा जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकली ना और भी रस आ गया। बोले क्यों? कारण कारण क्या? बोले कारण है ये जो तोता है ना, आप भागवत पढ़ो सब जगह में लिखा हुआ मिलेगा श्री सुखोवाच। श्री सुखोवाच श्री मतलब बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवास। बोले ये भागवत में इतना रस कहां से आया? बोले जो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की जो निकुंज मंदिर के तोता है, कभी कभी राधा रानी उसको अपना हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी कृष्ण कृष्ण बोलता था। राधा रानी बोलती थी बोलो तो राधे राधे, वो तोता राधे राधे बोलता था। कभी कभी श्री राधा रानी उसको राधा रानी कृष्ण रूप मान कर तब उसको चुंबन करते थे। जब चुंबन करते थे तब राधा जी की जो अधरा मृत वो तोते के मुंह में लगा हुआ, राधा जी की अधरा मृत वो तोते के मुंह में लगा हुआ। इसलिए आगे सुनेंगे वहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, कोई बड़े बड़े दाढ़ी, कोई 100 साल के, 500 साल के, 1,000 साल के, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे छोटे बच्चे थे। लेकिन कथा इन्हीं से ही सुने। बोले क्यों सुने? इनसे क्यों सुने? वहां पर इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे क्यों कथा नहीं सुने? कारण है ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा रानी की प्रिय तोता है, इनकी ठोंट में राधा जी की अधरा मृत लगी। दूसरा कारण बताए कि राधा जी की एक प्रिय सखी दासी है। इसलिए कथा जो जितने रसिक संत हो ना उनकी कथा में कितना मिठास, अगर राधा जी की कोई सखी अगर कथा सुनाए वो तो राधा जी की प्यारी प्यारी कथा सुनाएगी, कृष्ण की प्यारी प्यारी कथा सुनाएगी, इसलिए उसमें इतनी मधुर है। इसलिए बोले सुख मुखात अमृत द्रव संततम, बोले पी बत, बोले खूब पियो। बोले भैया आपने तो पहले बता दिया फल है वेद रूपी ग्रंथ का फल, आप बताओ फल को पीते हैं ना फल को खाते हो? बताओ पीते हो ना खाते हो? अरे बोलो खाते हैं, फल को पीते नहीं फल जूस को पीते हैं, लेकिन बताया गया फल है प्लस को पियो। कहते भैया हर फल में छिलका गुठली होता है, इसमें छिलका नहीं इसमें गुठली नहीं इसमें केवल रस ही रस है। देखो और एक चीज समझो, जब कोई चीज को हम पीते हैं किधर से पीते हो? बोलो किधर से पीते हो? मुंह से। लेकिन अभी ये जो रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो? कानों से। ये ऐसे एक रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, जिसको कानों से पी जाती है। भले आप मुंह और कान में क्या फर्क है चीज को समझो, कोई चीज अगर आप मुंह में पियोगे ना वो नीचे से निकलेगा, आप रख नहीं सकते। कोई भी चीज आप पियो निकलेगा ही, रख नहीं सकते। लेकिन कानों से जो चीज पीते हो ना वो निकलेगा नहीं, वो अंदर में जाएगा, वो अंदर में जाएगा, वो निकलेगा नहीं। लेकिन ये प्रश्न करते हैं भैया हम तो पीते तो है लेकिन सब निकल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर में बहुत सारे छेद है, काम क्रोध लोभ मोह छेद ही छेद हमारे शरीर में, पीते तो है लेकिन रहती नहीं निकल जाती। हाँ आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, ये प्रश्न का उत्तर दो। एक घड़ा है उसमें छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? सब निकल जाएगा। आप बताओ अगर प्रश्न का उत्तर दो, घड़े में सारे छेद ही छेद रहेंगे लेकिन पानी डालो ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा, बताओ ऐसे क्या उपाय है? जिसको छेद ही छेद है लेकिन पानी डालोगे तो एक बूंद नहीं निकलेगा, बता सकते हो क्या उपाय है? देखो अगर वो पात्र को पानी में पूरा डूबो करके रख लो ना भले ही उसमें जितने छेद हो नहीं निकलेगा। क्या उसी तरह देखो ये चीज बात कर समझो, हमारे अंदर में छेद ही छेद है, काम क्रोध लोभ मोह,
आप देखो जब तक आप कथा में बैठे हैं ना, जब तक आप लोग कथा में बैठे हो, आपका कोई काम सता रहे ना, लोग सता रहे ना, मोह सता रहे, कोई काम करो कोई सता रहे आपको, कोई नहीं सता रहे। क्यों? आप कथा है, रस में डूबे हुए हो, इसलिए बोले मुहु रहो। मतलब क्या? ये कथा में पूरा डूब जाओ, ये कथा में, फिर भी दुनिया की काम क्रोध लोग तुम्हें सता ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये कथा से केवल बाहर जाओ ना, जितने काम क्रोध लोग झट आकर सता रहे, जब तक कथा में बैठो तब तक तुम्हें ये कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कहते मुहु रहो रसिका हुई भावता, हर समय की कथा से डूबे ही रहो। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। बोले ओम नन्हि से अनिल से क्षेत्र ऋषयः ये कलयुग आने पर कहते श्री सोनकाद ऋषि वाले पितामह ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले पितामह ये घोर कलयुग आ रहा है, ये कलयुग से हम बचे कैसे? ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, मैं एक चक्र प्रकट करके मैं फेंक रहा हूं, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना वही स्थान ये पवित्र भूमि है, वहीं पर बैठ करके भजन करो, पर ये कलयुग तुम्हें व्याप्त नहीं कर सकता। फिर वो गिरा नमेशा रहने, नमेशा मतलब क्या? जहाँ पर एक निमिष भी जहाँ पर बर्बाद नहीं होता है, वहीं पर सौंदर्य ऋषियों ने बैठ करके हजार सालों से चर्चा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन हृदय में कोई शांति नहीं होता, हृदय में कोई संतोष नहीं, यज्ञ की धुआं से पूरा के पूरा शरीर काला पड़ गया, लेकिन शांति नहीं मिल रही। एक दिन भगवत इच्छा से वहां पर श्री शुक्र गोस्वामी आते हैं। ये बच्चे किसके हैं? बच्चे को पास में लोगे तो तुम भी नहीं सुनोगे, दुनिया को भी नहीं सुनोगे। अच्छा सामने बैठे हो, इधर उधर नहीं देखना, कथा सुन रहे हो, उधर क्या कर रहे हो इधर मत सुनना, ठीक है? इसलिए यहाँ पर बताए ये श्री सोनदा एक दिन श्री सुत गोस्वामी आए। बोले ये सूत कौन है? बोले ये उग्र सभा सूत है, एक लोमहर सन सूत और एक उग्र सभा सूत है। कहते ये एक समय श्री बलदेव प्रभु जब नैमिषारण्य रहने में पहुंचे, कहते एक थे लोमहर सनसुत, ये कथा सुना रहे थे ऋषियों, लेकिन सब श्री बलदेव प्रभु आए, बोले आए बैठ जाएंगे कोई बात नहीं, हम तो कथा पूरा सुना रहे। लेकिन श्री बलदेव प्रभु कौन है? ये आदि गुरु है, ये आदि गुरु है। जब कोई गुरु और कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ जाए, अगर आप कथा कर रहे हो कथा बंद कर, आप कथा को बंद कर दो, सबसे पहले संतों की सम्मान है, वैष्णव का सम्मान। बोले क्यों? बोले भगवान कहाँ बैठे? वो संतों के हृदय में ही भगवान की निवास। जब तुम संतों की आदर करते हो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। हम आगे सुनेंगे कैसे श्री अगस्त मुनि आए और श्री राजा कैसे उन्होंने सम्मान नहीं किया है, राजा कैसे उनको सम्मान नहीं किया, उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले हाथी जैसे बैठकर भजन कर रहे हो, कोई संत आए तो सम्मान नहीं, हाथी बन गया, इसलिए राजा हाथी बनना पड़ा, भगवान की रक्षा नहीं किया उसने। इसलिए जब कोई संत आते हैं सबसे पहले संतों की आदर है। इतने में बलदेव प्रभु आए बैठ जाएंगे, इतने में बलदेव प्रभु ने देखा ये पाठ कर रहा है पुराण की, संत आए तो संतों का आदर करना नहीं जानते हो, बोले तू पाठ करने का लायक है नहीं। उन्होंने उठाया एक तीर और गला काट दिया, गला काट दी तो हाथ हाथ बच गया। ब्राह्मण लोग बोले अभी हम पुराण किससे सुनेंगे? उनका एक छोटा बच्चा था, 5 साल का बच्चा, बलदेव प्रभु आदि गुरु है, ताऊ भैया उनके सर पर उन्होंने हाथ रखे। बोले जितने वेद पुराण इतिहास तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो, छोटा बच्चा था और उन्होंने व्यास नदी पर बैठा दिया, झटाझट उन्होंने सारे वेद पुराण उन्होंने बोलने शुरू कर दिया। इसलिए इनका नाम उग्र सभा सुत। उग्र सभा मतलब जो एक बार सुने और पूरी जो याद करे, इसका नाम उग्र सभा सुत इनका नाम। एक दिन भगवत इच्छा से जब श्री सुत गोस्वामी आए, सौनक आदि ऋषियों ने
उनको आसन देते बैठाए, बोले हमारी अहो भाग्य आज संत दर्शन हो गया। देखो जीवन में अगर सचमुच से कोई साधु हो, सचमुच से भक्ति करने वाले साधु हो, अगर जीवन में दर्शन हो गया ना, क्या समझो। इसलिए जब हनुमान जी से विभीषण के साक्षात्कार हुए, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी राम के सबसे प्यारे भक्तों, क्या कहता है, बोले आज मोहे भाव भरोसा हनुमंता, और बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं सकता, जो रघुबीर मोहे अनुग्रह कीनी तो मोहे तरस हटनी। लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई कृपा है। तभी रावण का चारों तरफ में राक्षस है, उसको बीच में भगवान के प्यारे भक्त हनुमान दर्शन, लेकिन सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज श्री हनुमान का दर्शन हो गया, मतलब भगवान कहीं हमें दूर नहीं, अभी प्रभु राम, अभी हम जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखो जिस समय राम, जिस समय विभीषण और हनुमान के दर्शन हुए, विभीषण एक महत्वपूर्ण बात कहते, बोले देख हनुमान मेरे पास में माँ है और तेरे पास में पिता है। मेरे पास में माँ है जानकी अशोक वाटिका, और तेरे पास में पिता है कौन, श्री राम है। जब तक पिता और माता के मिलन नहीं होना, तब पूर्ण मिलन नहीं होता। विभीषण ने कहा देखो मैं माँ से तेरे को मिला दूंगा, और तू मेरे को पिताजी के साथ तू मिला दूंगा, फिर तो काम बन जाएगा। बोले ठीक है, बोले बताओ माँ कहाँ पर है, बोले माता जी अशोक वाटिका में बैठी, जाओ उनसे मिलो। हनुमान जी मिले, अभी इनका काम हो गया। अभी जिस समय श्री विभीषण रावण को समझाने के लिए गया, देखो हम कुलस्थ ऋषि के वंशज हैं, पराई स्त्रियों को हरण करना ये हमारी काम नहीं, ये जगदम्बा जगत जननी माँ स्वयं ये लक्ष्मी है, जहाँ वापस फेंक दिया होगा। रावण ने किया क्या, लाख मार करके भगा दिया उसका। लेकिन जब भगा दिया, उसने राम की शरण में आए, जब आए इतने में बंदर सैनिक को पूछे भैया तू एक और, वो आकाश में उड़ते हुए आ रहा था, बोले मैं रावण का छोटे भैया, उसको तो जितने बंदर थे ना रस्सी में बांध घूम करके लेके गया। इतने में हनुमान जी श्री विभीषण सोच रहा है मैंने हनुमान जी को मैया से मिलाया, अभी हनुमान जी का काम मेरे को पाप से मिला है, लेकिन देखो मेरे को बांध करके किसे ले जा रहे हैं। इतने में जब वहां पर गए, इतने में देखा हनुमान जी वहां बैठे हुए, विभीषण का छाती कलर का ऊंचा हो गया, क्यों यहाँ पर कोई जान पहचान कोई व्यक्ति है। इतने में हनुमान जी बोले कैसे, बोले एकदम बात मत करो चुप रहो, बोले क्यों, बोले मैंने तुमको मैया से मिला दिया था, तुमने क्या बताया था, बाप से मिला हूं ना, देखो मेरे को बांध करके कैसे ना। हनुमान जी ने बोला ये बताओ तुमने परिचय क्या दिया था, बोले मैंने कहा रावण का छोटा भैया, बोले इसलिए तो बांध करके लाए, इसलिए तो बांध करके लाए, रावण तो भगवान के शत्रु है, अगर तू बोले शत्रु का भैया बांध करके लाते, हाँ अगर तू इतना बोलता हनुमान मेरे मित्र है, हनुमान का मैं मित्र हूँ, तेरे को स्वागत करके यहाँ ले आते, भैया हनुमान की मित्र है। इसका मतलब शिक्षा देते हैं जब हम अपना परिचय देना, इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भर तू पद कमल दास दास का संत, हम कौन है, संतों का सेवक का सेवक का सेवक का सेवक है, दासानुदास है, हम भगवान के दासों के अनुदास है। भगवान बहुत जल्दी हमें स्वीकार करते हैं, अगर हम बोलेंगे हर हमारा हम का नाम है, हम ये है, हम ये है, ठाकुर जी को पसंद नहीं है सब चीजें। क्या परिचय दो, हम संतों की सेवक के सेवक के सेवक है, ये परिचय दे दो, बस ठाकुर जी सबसे जल्दी ठाकुर जी हमें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आज श्री सौनकाद ऋषियों ने बोले अहो भाग्य है आज हमें संतों का दर्शन मिला। तब उन लोगों ने कहा देखो ये घोर कलयुग है, कलयुग में बोले प्रायण अल्पायुष शब्द कला बस्मीन युग जना, कलयुग में लोग का परमायु बहुत कम है, सत्य युग में 100,000 साल जिंदा रहते थे, तृतीया युग आया 108 को 10,000 हो गया।